Chalo, suno. Myself, Namrata Rodrigues. I have by profession, I am a chartered accountant. सेबी के बारे में कुछ पता है? कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है. अच्छा, बस वही वही वही. नहीं, एक्ट एक्ट नहीं होगा वो. सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. बट कुछ तो पता है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ पता है. डिफिकल्ट है, इजी है, इंटरेस्टिंग है? डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है बाबा. टेक्निकल वर्ड्स बहुत है. और क्या पता है? चलो, और क्या पता है? और क्या पता है सेबी के बारे में? स्टॉक एक्सचेंज के बारे में है. ठीक है, इजी है, डिफिकल्ट लग रहा है तुमको? इजी है. हाँ, वो तो पढ़ेंगे तो पता चलेगा. वैसे सीएस एग्जीक्यूटिव बहुत इजी है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट चीज नहीं है. ठीक है, सब इजी है. अरे, पासिंग वाई यू आर सीइंग, यू जस्ट सी ना हाउ मच यू आर केपेबल ऑफ डूइंग इट, राइट? और तुम्हारे पास मॉड्यूल्स है घर पे. ठीक है, मतलब कोई काम का नहीं है. माई नोट्स आर मोर देन इनफ, उतना ही करके जाओ. आई एम गारंटिंग यू, बस उसमें से ही आएगा, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा. ठीक है, माई नोट्स आर नथिंग बट अ कंसाइज फॉर्म ऑफ योर मॉड्यूल. माई नोट्स लैंग्वेज इज ऑल्सो मॉड्यूल लैंग्वेज ही है. एज सच कुछ अलग लैंग्वेज नहीं है, मॉड्यूल लैंग्वेज ही है. बट इजियर है, मतलब एक ही चीज 10 बार रिपीट नहीं हुई है. तुम्हारे मॉड्यूल में एक ही चीज 10 बार रिपीट होती है. सो रादर देन डूइंग मॉड्यूल, डू माय नोट्स मोर देन इनफ. ठीक है, तुम्हारे पास नोट्स आते रहेंगे, शीट्स आते रहेंगे, वो प्लीज फाइल में फाइल करते के रखना. क्योंकि एट द एंड मोमेंट तुम कहा और नोट्स कहा, सी मतलब वो कैसे भी करता है, ऐसे बैग में डाल देता है, चटनी गिरा देता है. There is one act, General Clauses Act, वो तुमको आएगा शायद, है ना? तुमको है? हाँ, General Clauses Act, उसमें आ जाएगा. Section 13 says that he includes she. तो तभी मेरे को याद करना. चलो, start करें with SEBI. Okay. चलो, SEBI, yes, it is technical, little difficult. किसका introduction चाहिए? SEBI, Security Market Intermediaries. एक चैप्टर होगा. देखो, पहले बिफोर स्टार्टिंग विद सेबी, आई टेल यू द हाउ इज सेबी एक्चुअली फ्रेम्ड. सेबी में दो पार्ट्स, एक पार्ट ए होता है एंड पार्ट बी होता है. डोंट थिंक के फाउंडेशन जैसा है कि मैम पार्ट बी में से आएगा ही नहीं या पार्ट ए में से आएगा नहीं. कभी कभी क्या हो जाता है ना, फाउंडेशन में ऐसा हो जाता है तुम लोग को कि लॉ बोलते हैं कि ऐसा 40 मार्क्स का है बट आता नहीं है, या तो 40 से ज्यादा आ जाता है, एथिक्स नहीं आता है, ऐसा कुछ हो जाता है. बट इधर ऐसा नहीं है. यहाँ पे 30 बोले तो 30, मतलब यहाँ पे 70 मार्क्स का एक होगा और दूसरा पार्ट ए होगा वो 30 मार्क्स का. ये जो है अपने सिक्योरिटीज लॉ है, दिस इज सिक्योरिटी लॉ. ठीक है, और ये जो है ना वो जस्ट कैपिटल मार्केट क्या है. सो इसके लिए तुम्हारे टॉपिक का नाम कैसे है ना, सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट, ऐसा. या तो फिर कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता. सो यहाँ पे ये कौन सा होगा बेटा, कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट ऑब्वियसली थोड़ा बहुत स्टार्ट बेस करने के लिए मुझे कैपिटल मार्केट ही स्टार्ट करना पड़ेगा. एंड इट इज मोर इजियर, व्हाई? बिकॉज ओनली 2 चैप्टर्स आर देयर इन 30 मार्क्स. सो यू जस्ट सी द वेटेज, 2 चैप्टर्स, और इधर बहुत सारे चैप्टर्स है. ठीक है, और इधर ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड आएगा, सीआईएस आएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. यहाँ पे एक पॉइंट पे डिफिकल्ट होता है, बाकी तो इट्स नॉर्मल, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. सो इफ यू वांट टू स्कोर, यू कैन स्कोर फ्रॉम दैट 30 मार्क्स. ठीक है, वो इजी हो जाएगा. या 2 चैप्टर 30 मार्क्स, पूछ पूछ के कितना पूछेंगे. सो ऑन एन एवरेज एक चैप्टर का वेटेज ऑलमोस्ट 15 मार्क्स जितना तो होगा ही होगा. सो वो तो अच्छे से करके जाने का. और 70 मार्क्स भी इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है. मैं स्टार्ट करूंगी ना विथ वेरी इजी इजी चैप्टर्स, डिफिकल्ट चैप्टर्स अभी स्टार्ट नहीं करेंगे. ठीक है, क्योंकि जोर का झटका जोर से दूंगी ना, कल ही भाग जाओगे. ठीक है, मुझे जोर का झटका धीरे से देना पड़ता है. उसका मतलब क्या, आई हैव टू स्टार्ट विथ वेरी इजी चैप्टर्स. तो तुमको स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा, है सेबी, ऐसा सेबी है, इजी है, बहुत इजी है. फिर बाद में हाँ, वर्ड्स तुमको नहीं समझेगा, धीरे धीरे समझेगा यार. सेबी इज नॉट द कप ऑफ टी के ऐसे ही हो जाएगा. बिकॉज क्या हो जाता ना, बाकी सारे सब्जेक्ट्स
यू नो लिटिल बिट तो कुछ तो पता होगा यार, जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट कुछ तो पता होगा तुमको, फाउंडेशन में था, फाउंडेशन में था तो कंपनीज एक्ट कुछ तो पता है, व्हाट इज कंपनी, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, तो वो नए वर्ड्स तुमको लगते नहीं है, बट सेब भी तो पढ़ा ही नहीं है तुमने। सो अगर सेब भी नहीं पढ़ा है तो ऑब्वियसली तुम लोग को नहीं समझेगा यार, नहीं समझेगा। सो यहाँ पे सेबी के लिए टेक्निकल वर्ड यूज होता है, तो इतना डरो मत, धीरे धीरे समझेगा। बट एक प्लेज मेरे साथ लेना है, इंडिया इज माई कंट्री एंड सिस्टर्स, एक्सेप्ट घर वाली, बाहर वाली, काम वाली, क्योंकि वो बोल ही नहीं रहा था सिस्टर्स। ठीक है, ठीक है, अच्छा, ओके। अभी ऑब्वियसली वो प्लेज लेना है कि यार जितना मेरा खत्म होए तुम्हारा भी उतना खत्म होना चाहिए। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूं 30 marks 70 marks, ओके, हो गया। सो फर्स्ट टुडे विल स्टार्ट विथ 30 marks, इजी चैप्टर, बेसिक चैप्टर, सुनो ध्यान से। अभी तुमने कभी इंटरमीडिएट्स का नाम सुना है? नहीं, अच्छा छोड़ो, इंटरमीडिएट्स का नाम सुना है क्या? नहीं सुना है। लिंक होता है बीच वाले, इंटरमीडिएट्स का मतलब क्या होता है? बीच वाले, ठीक है। अच्छा, अभी कैसे होता है इंटरमीडिएट्स में? अभी उसके पहले इफ आई स्टार्ट, यू जस्ट शुड नो व्हाट इज अ सिक्योरिटी मार्केट। इंटरमीडिएट स्टार्ट करूं उसके पहले सिक्योरिटी मार्केट के बारे में कुछ तो पता रहना चाहिए ना। अभी यहाँ पे जो फर्स्ट पेज है, इट इज अ ओवरव्यू ऑफ कैपिटल मार्केट या तो सिक्योरिटी मार्केट, जो बोलना है बोलो तुम लोग, ठीक है। ये तुम्हारे पोर्शन में नहीं है, सो ऑब्वियसली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नॉट इम्पॉर्टेंट, बट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस, यू विल नॉट अंडरस्टैंड सेबी। सो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पढ़ाई करने के लिए। प्लीज लेक्चर्स रेगुलरली अटेंड किया करो। सेबी इज नॉट अ कप ऑफ टी कि ऐसे ही आए कभी भी गए समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सेबी इज डिफिकल्ट एंड लिंक्ड होता है सेबी, ठीक है। एक टॉपिक नहीं आया, दूसरा टॉपिक लिंक्ड होता है उससे, तो नहीं समझेगा। एंड ऑलवेज आई टेक अ लिंक टॉपिक फर्स्ट। पहले है ना, एक ड्रॉइंग करती हूँ मैं, ठीक है, मैं ड्रॉइंग में मास्टर, हाँ, क्योंकि वो ड्रॉइंग हमको फेल किया होता ड्रॉइंग में, तो हम सारी खुन्नस तुम्हारे पे निकालते, ठीक है। मेरे को भी ड्रॉइंग में फेल किया था, बट अगर मेरे ड्रॉइंग गेस कर लिए, मतलब इंटेलिजेंट बैच, ठीक है, और कैसे करने का बताए, ऐसा मन की आंखों से ड्रॉइंग देखने का, तो आराम से दिखेगा तुमको, ऐसा कुछ नहीं। चलो बताओ क्या है ये? अच्छा मैं बोलती हूँ, अरे नहीं, ये अपना इकोनॉमी है, ठीक है। अभी अपना इकोनॉमी का अर्थक्वेक नहीं है, रुक। इकोनॉमी के दो पार्ट है, एक कौन सा पार्ट होगा? हाउस होल्ड सेक्टर वाला, ठीक है, और एक कौन सा होगा बेटा? बिजनेस सेक्टर। आंसर्स देने का, थक्के लेने बैठने का मेरे लेक्चर में। अच्छा नाम बोल तू, करण, ठीक है। करण सपोज मान लो जॉब कर रहा है, कोई देगा नहीं बट फिर भी जॉब कर रहा है, ठीक है। यू आर अर्निंग रुपीज 10,000 राइट नाउ, सीएस नहीं बना ना, इसके लिए बोल रही हूँ। यू आर अर्निंग रुपीज 10,000। अभी ऑब्वियसली करण पूरा तो सेव नहीं करेगा या पूरा तो स्पेंड नहीं करेगा, थोड़ा सेव करेगा, थोड़ा स्पेंड करेगा। करण इट्स योर चॉइस, बता तू कितना गर्लफ्रेंड पे स्पेंड करेगा और कितना सेव करेगा। रुपीज कितना? 6,000 बोनस, ठीक है, दिवाली आ रहा है ना, ठीक है। सो यहाँ पे वो 6,000 स्पेंड करेगा और रुपीज 4,000 क्या करेगा बेटा? सेव करेगा। अच्छा अभी ये सेव किया तो वो इसके फ्रेंड के पास गया, रोहन, रोहन के पास गया और रोहन को क्या बोला? ये देख मैंने 4,000 बचाए है, मैं कहाँ डालू, कहाँ पैसा डालू, कब तू बता दे। तो रोहन म्यूचुअल फंड सही है, वही आता है तुमको, नहीं नहीं पता चलेगा व्हाट इज म्यूचुअल फंड। बट रोहन क्या बोलेगा? रोहन बेसिकली अगर सबको पूछे ना तो क्या बोलता है? एफडी बना दे रहे,
बैंक में एफडी बना दी बिकॉज वी डोंट नो कैपिटल मार्केट. तुझे पता ही नहीं है सिक्योरिटी मार्केट क्या है, कहां से पता होगा. सवेरे सवेरे सीएनबीसी थोड़ी देखते हैं, सवेरे सवेरे डोरेमोन देखते हैं. कहां से पता होगा हमको कि कैपिटल मार्केट क्या है, या तो देखा भी ना तो भी कुछ समझेगा नहीं. अंगूठा छाप हाँ कि ना, ऐसे ही होता है, नहीं समझेगा यार. सीएनबीसी नहीं समझेगा, स्टार्टिंग में कुछ नहीं समझता. बट डोंट डीमोटिवेट योरसेल्फ, थोड़ा थोड़ा देखने का ट्राई करो. 10 मिनट 15 मिनट बहुत बोर होगा, सीरियसली बोल रही हूँ, बहुत बोर होगा. पर 10 मिनट 15 मिनट देखो तो सही, देन वंस यू अंडरस्टैंड ना यू विल ओनली लाइक कि हाँ चलो सीएनबीसी पे ये होता है. इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स आते हैं, वो एडवाइजेस देते हैं, रिसर्च एनालिस्ट आते हैं, रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश होता है, तो वो सब तुमको समझेगा. एंड आई ऑलवेज टेल जब भी यूजुअल इफेक्ट होगा ना वो ज्यादा इम्पैक्ट देगा एज कम्पेयर टू जब भी थियोरिटिकल नॉलेज होगा. सो ट्राई करो सवेरे डोरेमोन 15 मिनट कम देखो, या शिनचैन भी देखते होगे कोई जन, ठीक है. सो वो कम देखो और क्या देखोगे, 10-15 मिनट देखो. अच्छा अभी 4000 इसे क्या बोला रोहन ने, एफडी में इन्वेस्ट कर दे. एफडी बोले तो फिक्स डिपॉजिट, मतलब बैंक में चला गया. अभी बैंक क्या करेगा, बैंक के पास आ गया डिपॉजिट. सो बैंक क्या करता है, वही डिपॉजिट को लेंड करता है. बट तुमको लगता है पूरा पूरा लेंड करता है, नहीं, रिजर्व्स रखता है. पता है उनका रिजर्व होता है CRR, रिजर्व एंड इंटेलिजेंट बैच है लगता है मेरे को, CRR एंड SLR रिजर्व्स होता है. अच्छा अभी CLR एंड SLR रिजर्व, सॉरी CRR एंड SLR रिजर्व्स, चलो एग्जाम्पल दे रहे हो, एग्जाम्पल मान लो सपोज 400 है, ठीक है. सो इकोनॉमी में कितना जाएगा, मतलब एज अ लोन कितना जाएगा मार्केट में से, 3600. सो इकोनॉमी को लॉस हुआ रे बॉस, कितने का लॉस हुआ पता है, 400 रुपया, क्योंकि ये गया ही नहीं इकोनॉमी में, एज अ रिजर्व आरबीआई में पड़ा हुआ है, समझ रहा है. बट अगर मान लो उसने करण ने पूरा पूरा 4000 इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया होता था, या प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट किया होता था, तो पूरा 4000 जाता था. सो इकोनॉमी को तेरे कारण कितना लॉस हुआ बेटा, 400. गौर से देखो ये आदमी को, इकोनॉमी डेवलपमेंट में हेल्प नहीं करता है, समझ रहा है ना. सो अगर सिक्योरिटी मार्केट्स में इन्वेस्ट नहीं किया, स्पेशली यंग जनरेशन लाइक मी एंड यू, एक मिनट इधर जो किया था हंसे क्यों, एक मिनट प्लीज, नाउ आई वांट टू क्लेरिफाई, इधर जोक क्या था. अच्छा तुम लोग यंग जनरेशन नहीं हो, अच्छा ओके ओके ठीक है, यंग जनरेशन लाइक मी, ओके. अगर इकोनॉमी में इन्वेस्ट नहीं किया, सोचा नहीं यार, तो क्या होगा पता है, इकोनॉमी को ऐसा लॉस होगा. और क्या होगा ना पता है, अगर मान लो तूने डायरेक्टली मुकू को दे दिया होता, मुकू पता है मुकेश अंबानी, उसको अगर दिया होता था तो डायरेक्टली वो ले लेता था. इक्विटी शेयर में तूने इन्वेस्ट कर दिया, अभी उसके ऊपर डिविडेंड पे होता है, और वो डिविडेंड प्रॉफिट हुआ तो ही पे हो सकता है, अगर लॉस हुआ तो वो पे नहीं करेगा, बराबर है ना. सो यहाँ पे उसने क्या किया, उसने तो बैंक में दिया, सो इनडायरेक्टली मुकू को लोन तो चाहिए, तो मुकू कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा, क्योंकि तूने नहीं दिया ना, तो वो किसके पास गया, बैंक के पास गया. बैंक को क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट, और वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, इससे अच्छा वो एक्सपेंशन ही नहीं करेगा, छोड़ मार गोली, मेरे को नहीं करना एक्सपेंशन, समझ रहा है. सो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन बैंक, इन्वेस्ट इन अ मार्केट, डोंट इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, इन्वेस्ट इन अ मार्केट. म्यूचुअल फंड में हम क्यों इन्वेस्ट करते हैं वो मैं बताऊंगी, क्योंकि हमको नॉलेज नहीं होता है इसके लिए हम इन्वेस्ट करते हैं. बट इफ यू हैव नॉलेज यू कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट इन मार्केट, इफ यू हैव नॉलेज. अगर नॉलेज नहीं है ना, मत लो रिस्क, डायरेक्टली किधर इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड मैं सिखाऊंगी कैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जब भी म्यूचुअल फंड का चैप्टर आएगा ना, एक साथ नहीं लेने का बेटा, धीरे धीरे, समझा. तो म्यूचुअल फंड के पीछे ही पड़े हो आज यार, रुको सिखाएंगे म्यूचुअल फंड क्या होता है. अच्छा अभी देखो, सुनो, अभी करण को इतना सब समझ में आ गया, अल्टीमेटली करण ने बोला हाँ मैम मैं कहाँ इन्वेस्ट करूंगा, मार्केट में, मैं बैंक में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, सुधर गया.
अच्छा तो क्या करेगा वो, सीधा जाएगा मुक्कू के कैबिन में जाएगा और बोलेगा ये ले 4000, तू भी क्या याद रखेगा करण ने दिया था, ऐसा ऑब्वियसली नहीं यार, यू नीड सम इंटरमीडियरी लिंक चाहिए ना देखो, और एक पूरा सिस्टम चाहिए राइट। सो यहाँ पे जाबी, यहाँ पे फंड्स है, देख फंड्स अभी किधर पड़ा हुआ है, इधर हाउसहोल्ड सेक्टर्स में अभी फंड्स को मोबिलाइज करना है, मोबिलाइज मतलब ट्रांसफर मूव करना है, सो फंड्स को मोबिलाइज करना है, कहाँ से कहाँ मोबिलाइज करना है, हाउसहोल्ड सेक्टर से बिजनेस सेक्टर में मूव करना है, ठीक है, मूव बोलोगे कि मोबिलाइज बोलोगे, मोबिलाइज। सो यहाँ पे उन लोगों उनको क्या करना है, मोबिलाइज करना है। सो ये मोबिलाइज करने के लिए एक अरेंजमेंट चाहिए, वो अरेंजमेंट को बोलते हैं फाइनेंशियल सिस्टम, वो अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे बेटा, फाइनेंशियल सिस्टम। सो अगर मैं बोलूं व्हाट इज फाइनेंशियल सिस्टम, मोबिलाइज करेक्ट, मोबिलाइज ऑफ व्हाट, फंड, फंड फ्रॉम डैश टू डैश बिजनेस सेक्टर। अभी देखो आई एम नॉट टेलिंग हाउस होल्ड सेक्टर वर्ड इज रॉन्ग, आई एम नॉट टेलिंग बिजनेस सेक्टर वर्ड इज रॉन्ग, आई एम जस्ट टेलिंग हाउस होल्ड सेक्टर एंड बिजनेस सेक्टर्स आदिवासी लिखते हैं, आदिवासी लोग, ठीक है। तुम लोग कौन हो पता है बेटा, नहीं बेटा एसवासी, क्योंकि एस में ही रहना है अभी तुम लोग को 6 महीने तक, ठीक है। सो एसवासी लोग क्या लिखेंगे पता है, एसवासी लोग हाउसहोल्ड सेक्टर की जगह पे लिखेंगे यूनिट्स जनरेटिंग सरप्लस, सरप्लस हुआ ना थोड़ा डिफिकल्ट, पर देख ये टेक्निकल लैंग्वेज हो गया, अभी क्या फर्क पड़ता है यार, एक बार ये लैंग्वेज याद आ गया, देख मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, कुछ कुछ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जब भी बोलूंगी ना तभी मार्किंग कराती जाऊंगी, ये वर्ड चाहिए मेरे को आंसर में, बाकी प्रेपोजिशन आर्टिकल्स आता है ना ग्रामर, प्रेपोजिशन आर्टिकल्स सिर्फ भबराने का है, ठीक है, वो भबरा देने का, एक बार भबरा दिया ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स मुझे चाहिए, यूनिट्स जनरेटिंग सरप्लस, और यहाँ पे ऐसा लिखूंगी यूनिट्स कंज्यूमिंग, यूनिट्स दैट आर नीड इन सरप्लस, या तो यूनिट्स नीड इन, यूनिट्स नीड सरप्लस, ठीक है, यूनिट्स दैट आर जनरेटिंग सरप्लस एंड यूनिट्स दैट नीड सरप्लस। अच्छा उनको क्यों चाहिए पैसा बेटा, क्या करने के लिए, एक्सपेंशन, वेरी गुड करण, एक्सपेंशन करने के लिए, या तो फिर बेटा मुकू इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं करेगा, अपना ही सोचेगा वो, ठीक है वो छोड़, नहीं एक्सपेंशन, रुको मेरे को बोले दो बेटा, अफवा फैल रही है, एक्सपेंशन या तो डाइवर्सिफिकेशन या तो फिर मॉडर्नाइजेशन, वो सब करना है ना उसको, एक्सपेंशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, मॉडर्नाइजेशन करना है, उसको गुड्स एंड सर्विसेज देना है, इंडिया में भी देना है, आउटसाइड इंडिया भी प्रोवाइड करना है, तो पैसे की जरूरत है कि नहीं, हमको प्रोवाइड करना है, गोरे लोग को भी प्रोवाइड करना है, तो पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए। सो यहाँ पे कौन उसको मदद कर रहा है, करण देवता, देखो पहले खलनायक, खलनायक बना देवता, डाउट है, क्वेश्चन है, पूरा समझा, एनी डाउट। अच्छा तो हो गया, अभी मेरे को सिर्फ फाइनेंशियल सिस्टम का मीनिंग समझा दो, अगर मेरे को लिखना है तो कैसे लिखूंगी, इट इज एन अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट है ना, सो इट इज एन अरेंजमेंट, अरेंजमेंट के कारण क्या हो रहा है बेटा, अरेंजमेंट के कारण क्या हो रहा है, सरप्लस इधर से इधर जा रहे तो क्या लिखेगी, इधर उधर नहीं, एक मिनट मैं बोलू, फाइनेंशियल सिस्टम इज एन अरेंजमेंट, अरेंजमेंट के कारण क्या हो रहा है, फंड्स आर मोबिलाइज, फंड्स आर मोबिलाइज फ्रॉम, करेक्ट, फ्रॉम यूनिट जनरेटिंग सरप्लस, सरप्लस टू यूनिट्स नीड्स सरप्लस,
done for modernization, diversification, वो सब लिखने का, अगर लिखना है तो, and providing goods and services in India and outside India, ये समझा, done, पक्का, so financial system का meaning समझा तुमको, अभी financial system consists of three parts, मतलब three components, one component is financial market, एक market होता है, financial market, दूसरा होता है financial intermediaries, और तीसरा होता है फाइनेंशियल प्रोडक्ट. ठीक है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का पूरा चैप्टर है, अभी वही कर रहे हैं हम लोग, सिक्योरिटी मार्केट इंटरमीडियरीज, वो पूरा चैप्टर हम लोग करेंगे, मतलब नेक्स्ट पेज पे वही दिया हुआ है, हम लोगों ने सारे इंटरमीडियरीज के नाम सिखाऊंगी मैं, एंड दैट इंटरमीडियरीज विल बी यूज इन फर्दर सेबी लेक्चर्स. ठीक है, तुमको तो सिर्फ एक आध दो पते होंगे शायद, तुमको ब्रोकर पता है, ब्रोकर सिर्फ सुना होगा तुमने, क्या करता है बेसिकली वो इतना कुछ पता नहीं होगा, सिर्फ इतना पता होगा हाँ बाइंग एंड सेलिंग, फिर फोन करने का ब्रोकर को, तो वो ब्रोकर क्या करेगा, मेरे को बेचने शेयर्स, तो वो बेच देगा, तुमको उतना ही पता है, बट बेसिकली ब्रोकर करता क्या है वो देखना है, और ब्रोकर होता कौन है वो भी देखना है. अंडरराइटर्स पता होंगे शायद तुमको, अंडरराइटर्स में भी अकाउंट्स में आएगा बेटा, अकाउंट्स में आएगा, अंडरराइटर्स थोड़ा बहुत पता होगा बस, उसके अलावा कोई इंटरमीडियरी शायद पता नहीं होंगे, वो हमको करना है, मतलब मार्केट में इतने सारे इंटरमीडियरीज हैं, तुमको तो कुछ भी नहीं पता, मैं ऐसा बोल सकती हूँ, समझा, वो करेंगे करेंगे, टेंशन मत लो, हो जाएगा. फाइनेंशियल प्रोडक्ट ये तुमको सिर्फ ऊपर ऊपर से पता है, बट हम करेंगे, पूरा चैप्टर है उसका अलग से भी. इक्विटी शेयर सुना है, प्रोडक्ट है वो, प्रेफरेंस शेयर सुना है, प्रोडक्ट है वो, ठीक है, डिबेंचर सुना है, प्रोडक्ट है वो, बॉन्ड सुना है, हाँ, म्यूचुअल फंड सुना है, ये सब क्या है, प्रोडक्ट्स. सो ऑब्वियसली इनके सारे चैप्टर्स है, वो अलग से हम करेंगे. सो आज हमको ये नहीं पढ़ना है, आज हमको सिर्फ ये दो पढ़ना है, एक फाइनेंशियल मार्केट क्या है एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज क्या है, बस ये दोनों करके खत्म आज के लिए. डाउट पक्का. सो अगर ऐसा क्वेश्चन आया, नहीं आएगा, बट अगर ऐसा क्वेश्चन आया, फाइनेंशियल सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ डैश कंपोनेंट्स, थ्री कंपोनेंट्स, विच थ्री कंपोनेंट, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल, वेरी गुड. अभी हम स्टार्ट करेंगे विद फाइनेंशियल मार्केट, पहले मार्केट स्टार्ट करेंगे. ठीक है, मार्केट समझ गया ना, उसके बाद विल जम्प टू इंटरमीडियरीज, समझा. अच्छा चलो स्टार्ट करें विद फर्स्ट फाइनेंशियल मार्केट. इसमें एक होता है सिक्योरिटीज मार्केट, कौन सा मार्केट होता है बेटा. अच्छा चलो एक काम करो, सिक्योरिटी को मारो गोली, हम वेजिटेबल मार्केट सीखते हैं पहले. बोरीवली में है, जाते हो वेजिटेबल लेने के लिए, करण जाता होगा ना ऐसा वेजिटेबल लेने के लिए, नहीं मम्मा जाती है बिल्डिंग के नीचे ऐसे थैली नीचे डाल के बराबर ना. चलो अच्छा, वेजिटेबल मार्केट में क्या होता होगा. अच्छा वेजिटेबल्स होते होंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, नहीं ना इजी है ना, तो एक साथ झुंड में बोलो, वेजिटेबल मार्केट में क्या होता होगा. वेजिटेबल्स एंड सेलर्स एंड बायर्स, सिर्फ सेलर्स होंगे तो भी काम चलेगा, नहीं सिर्फ बायर्स होंगे तो भी काम चलेगा, नहीं दोनों होने चाहिए. अच्छा होता क्या है उधर, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ वेजिटेबल्स, वही होता ना. सिक्योरिटी मार्केट में क्या होता होगा, इंटेलिजेंट हो गए ना मेरे साथ रह रहे के. देखो सो यहाँ पे सिक्योरिटी मार्केट्स में वही तो होता है यार, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज. बट तुम बोलोगे मैम सिक्योरिटी वर्ड क्यों यूज करना, शेयर्स वर्ड क्यों यूज नहीं करना. पता है कंपनी लॉ, तुमको कंपनी लॉ स्टार्ट हुआ बेटा, स्टार्ट हो गया, तो उसमें भी सर ने कभी शेयर्स वर्ड यूज किया ही नहीं होगा. सर हाँ किया होगा, बट जब भी आप प्रोविजंस लिखते हो तभी मोस्टली आप कौन से वर्ड यूज करोगे, सिक्योरिटीज. क्यों मैं बताती हूँ अभी, ठीक है, पता है, पता है किसको पता है, बोल बोल मैम मैम. ओह सॉरी सॉरी, वापस बोल, वगैरह सब आएगा, वगैरह आप भर लो, बॉन्ड आएगा, करेक्ट. मतलब विच इज अ वाइडर टर्म,
सिक्योरिटीज इज वाइडर टर्म एंड शेयर्स इज नैरो टर्म. चलो एक ही एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे पता है तुम लोग फ्रूट सलाद अच्छा लगता है, फ्रूट सलाद. चल मन नाम बोल बेटा. मोक्षा, मोक्षा, मोक्षा हमेशा एकदम वाइब्रेंट होती है मेरे क्लासेस में. हमेशा जब भी कोई भी क्लासेस में जाऊँ ना, मोक्षा नाम देखा ना तो मैं डर जाती हूँ. ठीक है, बहुत मतलब लास्ट टाइम भी मोक्षा, मोक्षा फ्रूट सलाड खा रही है. ठीक है, तू आके पूछ रही है उसको, मोक्षा क्या खा रही है? सो मोक्षा क्या बोलेगी? फ्रूट सलाड. ऐसा बोलेगी एप्पल खा रही हूँ, बनाना खा रही हूँ, उसके अंदर ग्रेप्स खा रही हूँ, स्ट्रॉबेरी खा रही हूँ, ऐसा बोलेगी? डायरेक्टली फ्रूट सलाड ही बोलेगी ना. तो इतना लंबा चौड़ा करने का क्यों? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इससे अच्छा बेटर क्या बोल दो? सिक्योरिटीज. सिक्योरिटी इंक्लूड्स एवरीथिंग. शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, स्टॉक पता है. अब म्यूचुअल फंड भी बोल ही दो यार, फेवरेट है म्यूचुअल फंड. अरे आज सब ऐसे म्यूचुअल फंड ही बोल रही हूँ. नेक्स्ट लेक्चर म्यूचुअल फंड ही सीख लेंगे, चलेगा? अभी म्यूचुअल फंड, इवन सीआईएस, तुमने सुना भी नहीं होगा ये सब. सीआईएस, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, बहुत सारे. छोड़ो छोड़ो, जाने दो, बहुत सारे. जैसे जैसे सेबी आगे बढ़ता जाएगा ना, तुमको हर एक सिक्योरिटीज का मतलब भी समझाए. तुमने सुना भी नहीं होगा. आईडीआर सुना होगा शायद. अच्छा आईडीआर नहीं सुना, जीडीआर सुना होगा. अच्छा कुछ भी नहीं सुना, वेरी गुड. एक ही सुना है, म्यूचुअल फंड. सही है, ठीक है, चलेगा चलेगा. नो 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 इश्यूज, नो इश्यूज गाइस. आई विल टीच व्हाट इज आईडीआर, एडीआर, जीडीआर, एवरीथिंग विल बी कवर इन सेबी. ठीक है, एकदम मास्टर बन जाओगे. फिर किसी को भी बोलोगे तेरे को पता है आईडीआर, मेरे को फुल फॉर्म तो आता है. चलेगा. चलो तो सिक्योरिटीज नेवर इन सेबी, एटलीस्ट नेवर यूज अ वर्ड शेयर्स, ऑलवेज यूज द वर्ड सिक्योरिटीज. लॉजिक समझा? बिकॉज सिक्योरिटी इज अ वाइडर टर्म, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग. अभी एवरीथिंग क्या है वो बाद में देखेंगे, अभी समझा. अच्छा अभी सिक्योरिटी मार्केट हैज टू पार्ट्स. प्लीज गाइज, अगर ये नहीं समझा आजू बाजू नहीं पूछना, डायरेक्टली मेरे को पूछना. वैसे बिंदास हो तुम लोग तो कोई टेंशन नहीं है मेरे को ये बैच के लिए, बट अगर डाउट है तो डायरेक्टली मेरे को पूछना बेटा. प्लीज आजू बाजू मत पूछना, बाजू वाली कुछ और समझेगी, तेरे को कुछ और समझाएगी, भलता ही कुछ निकल जाएगा. सो प्लीज मेरे को पूछना, आजू बाजू मत पूछना. आई स्वेयर मैं नहीं काटूंगी, मैं नहीं काटूंगी, डोंट वरी. ठीक है, चलो. अभी यहाँ पे सिक्योरिटी मार्केट्स includes two parts. One is primary market. पता है ये सब? Intelligent हो यार. मोक्षा very intelligent. Primary के बाद secondary आएगा. Primary market and secondary market. प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज न्यू इश्यू मार्केट. नए शेयर्स इश्यू होते हैं, नए सिक्योरिटीज इश्यू होते हैं, दैट इज प्राइमरी मार्केट. अच्छा नए सिक्योरिटीज इश्यू होते हैं, मतलब रिलेशन हमेशा कैसा होगा बेटा? कंपनी टू इन्वेस्टर्स, मतलब कंपनी ने शेयर्स या सिक्योरिटीज अलॉट किए. किसको अलॉट किए? इन्वेस्टर्स को. देन इट विल कम इन प्राइमरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश न्यू इश्यू मार्केट. ठीक है, प्राइमरी मार्केट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज न्यू इश्यू मार्केट. अच्छा हो गया न्यू इश्यू मार्केट. अभी यहाँ पे न्यू इश्यू मार्केट में ऑलवेज रिलेशन विल बी बिटवीन कंपनी. अच्छा तो जब भी मैं क्वेश्चन पूछू ना, थिंक योर सेल्फ एंड टेल मी. पहले अपने आपको क्वेश्चन पूछो, रिलेशन कैसे होता है? इफ इट इज बिटवीन कंपनी टू इन्वेस्टर, द आंसर विल कम प्राइमरी मार्केट. और सेकेंडरी मार्केट में कैसे होता है? सुनो सुनो, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज का बाइंग एंड सेलिंग, दैट विल कम इन सेकेंडरी मार्केट. मतलब अगर नया कार खरीद रहे हो तो प्राइमरी मार्केट में आया, बट वही कार पुराना है और वो पुराना कार बेच रहे हो
देन वो किसमें मार्केट में आएगा, सेकेंडरी मार्केट. अभी समझ रहा है? तो वैसे अगर अगर नया सिक्योरिटीज इश्यू हो रहा है तो कौन से मार्केट में आया? प्राइमरी मार्केट. बट वही सिक्योरिटी का वापस बाइंग है, सेलिंग हो रहा है, तो उसको कौन सा मार्केट बोलते हैं? सेकेंडरी. सो इधर सेकेंडरी मार्केट इज नथिंग बट योर स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज में वही होता ना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज जो ऑलरेडी इश्यूड है, उस वही सिक्योरिटीज का इधर क्या होता है बेटा? बाइंग एंड सेलिंग. ये समझा? अच्छा, अभी स्टॉक एक्सचेंज कितने है पता है इंडिया में? अच्छा सुनो सुनो, तुमको पता होगा बीएससी एंड एनएससी, ये दो है. ये नेशन वाइड स्टॉक एक्सचेंज है. नेशन वाइड का मतलब एनी पर्सन इन एनी पार्ट ऑफ द नेशन कैन एक्सेस दैट मार्केट. दैट इज नेशन वाइड. ओनली टू, दैट इज बीएससी एंड एनएससी. फिर बाकी सब जो है ना वो रीजनल है. जैसे अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज है, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज है, बैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज है. ये सारे स्टॉक एक्सचेंज रीजनल है, मतलब खुद के रीजन के, समझ रहा है? बट दो ही नेशन वाइड. सो अगर नोट्स में किधर भी आएगा, हाँ हर एक वर्ड में आएगा, या किधर भी तुमको नेशन वाइड स्टॉक एक्सचेंज दिखा, मतलब आई एम अज्यूमिंग विच टू स्टॉक एक्सचेंज, आइदर बीएससी और एनएससी. जहां रीजनल तो तुमको दिखेगा ही नहीं, तुमको नोट्स में कौन सा दिखेगा? नेशन वाइड. सो अपने सेबी में इंपॉर्टेंट फिलहाल के लिए कौन सा होगा? एनएससी एंड बीएससी. सो तुमको नोट्स में जहां पे मैंने एनएससी बीएससी नहीं लिखा होगा, मैंने उसकी जगह पे क्या लिखा होगा? नेशन वाइड स्टॉक एक्सचेंज. इट मींस यू हैव टू अज्यूम इट इज एनएससी एंड बीएससी. ये समझा बेटा? अच्छा, तो स्टॉक एक्सचेंज में रिलेशन कैसे होता है? इधर रिलेशन कंपनी एंड इन्वेस्टर होता है, इधर कैसे होगा? वेरी गुड. इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर्स, मतलब एक इन्वेस्टर सेल कर रहा है और एक इन्वेस्टर बाय कर रहा है, मतलब देयर विल बी अ बायर एंड सेलर. बट वी डोंट यूज अ वर्ड बायर एंड सेलर, दिस इज नॉट सोगा. सोगा बोलेगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, दिस इज व्हाट? सिक्योरिटी लॉ. तो हम क्या बोलेंगे? इन्वेस्टर. इजी? अच्छा, तो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर नहीं पता है तो मेरे को बोलो, इट्स ओके. आईपीओ सुना है? अच्छा, पब्लिक इश्यू सुना है? सिर्फ फुल फॉर्म नहीं पूछ रही हूँ, आईपीओ का फुल फॉर्म मेरे को आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर. हश, आगे शेयर्स नहीं होता, सिक्योरिटीज में होता है वो भी. अभी अभी वो कॉन्सेप्ट ही दिमाग से निकाल दो कि शेयर न्यू इश्यू करते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम मार्केट में आते हैं, मतलब दे आर इश्यूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मार्केट, दैट इज नोन एज आईपीओ. अच्छा, पब्लिक इश्यू मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को बुलाते हैं कि जनता आवाम को बुलाते हैं? आवाम को बुलाते हैं. तो ऐसे छोटे मोटे ग्रुप से कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसमें इंटरेस्ट है? आवाम में, जनरल पब्लिक एट लार्ज, वर्ल्ड एट लार्ज, दैट इज कंसिडर्ड एज पब्लिक इश्यू. पब्लिक इश्यू में दो होता है, एक आईपीओ होगा, एक एफपीओ होगा. एफपीओ फुल फॉर्म में बोलती हूँ, फर्दर पब्लिक. एफपीओ पूछा हर बैच, फर्दर पब्लिक ऑफर. अभी मीनिंग तो मेरे को फुल फॉर्म तो आता है, तुम तो ऐसा बिहेव करते हो ना जैसे तुम नहीं होते थे ना, तो मेरे को फुल फॉर्म ही नहीं पता चलता था. ठीक है, फर्दर पब्लिक ऑफर का मतलब क्या समझा? देख, नाम बोल रहा है फर्दर पब्लिक ऑफर, जो आईपीओ के बाद होगा, मतलब सब्सिक्वेंट इश्यूज आर नोन एज एफपीओ. अभी सोच समझ के आंसर दो. पब्लिक इश्यू, आईपीओ एंड एफपीओ बोथ विल कम वेयर, अंडर विच हेड? नहीं सुनाई दिया? आईपीओ, एक मिनट, आईपीओ दो मिनट सोचो, शांति से सोचो, सोचो विद अ रिलेशन. तो आंसर दे रही है? हाँ बोल बेटा. व्हाई? करेक्ट. इन एफपीओ आल्सो इज अ सब्सिक्वेंट ना, सो एफ
सबसिक्वेंट में भी कैसा होगा, मैं आज आईपीओ कर रही हूँ, चलो एक काम करते हैं, पहले आईपीओ समझते हैं, आईपीओ कैसे होगा, इन्वेस्टर्स टू कंपनी, सॉरी माय मिस्टेक, कंपनी टू इन्वेस्टर्स होगा, इवन फर्दर पब्लिक ऑफर भी रिलेशन, कंपनी टू इन्वेस्टर, यू आर रेजिंग द कैपिटल, यस और नो, यस, सो इट विल नॉट कम इन सेकेंडरी मार्केट बेटा, इट विल कम इन प्राइमरी मार्केट. किसी को डाउट है इधर, किसी को डाउट है पूछो प्लीज, धीरे धीरे समझेगा, ऐसा नहीं समझेगा, बोलो डाउट है तो पूछो, नहीं अरे बाबा डाउट नहीं आता, मेरे को टेंशन आता है, कुछ नहीं समझा या सब कुछ समझा, हुआ क्या हस, चलो सो यहाँ पे सबसे पहला क्या लिखूं, ना पब्लिक इश्यू लिखूंगी, पब्लिक इश्यू के बाद क्या लिखूंगी, आईपीओ लिखूंगी. अच्छा अभी एक और क्वेश्चन, सोचो जस्ट यू थिंक द रिलेशन ऑटोमेटिक तेरे को समझ जाएगा वेदर इट इज अ प्राइमरी मार्केट और जस्ट यू थिंक द रिलेशन. बोनस इश्यू सुना है, व्हाट इज बोनस इश्यू, यू गिव टू योर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, हाँ इधर इक्विटी शेयर होल्डर्स, सो इक्विटी नहीं बोलोगे चलेगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बोला ना, इट इज अज्यूम इट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स, फिर फ्री ऑफ कॉस्ट With consideration, without consideration. Free में देते हो ना, एंट्री पास करते हो ना बोनस की, अकाउंट्स में आएगा शायद. बोलो प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट, क्यों प्राइमरी मार्केट, the company is allotting the shares to investors, the relationship is between company and investors, obviously it will come in primary market. आया प्राइमरी मार्केट में बोनस इश्यू, राइट इश्यू सुना है, सेम होगा नहीं, थोड़ा फर्क है क्या, यू आर गिविंग टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बट विथ कंसिडरेशन, मुफ्त में देते नहीं है, सो यहाँ पे कंपनी लॉ में भी अगर आएगा आएगा, अगर आया नहीं होगा तो आएगा, आ गया आ गया, तो कंपनी लॉ में भी आएगा. सी कंपनी लॉ एंड सेबी आर टू सिस्टर्स, सीरियसली सर भी कभी कभी बोलेंगे ये सेबी में आएगा, या तो मैं भी बोलूंगी ये कंपनी लॉ में आएगा, बिकॉज सम पार्ट ऑफ हिज विल कम इन माइंड एंड सम पार्ट ऑफ माइंड विल कम इन हिज, ऐसा भद्रेश्वरी है ना, हाँ चलो अभी समझा. अच्छा अभी यहाँ पे बोनस इश्यू हो गया, फिर नेक्स्ट राइट इश्यू, राइट इश्यू भी यू आर रेजिंग कैपिटल सेम एंड यू आर अलॉटिंग न्यू शेयर्स ऑब्वियसली टू इन्वेस्टर्स, हाँ मतलब टू इन्वेस्टर्स, इधर इन्वेस्टर्स बता कैसे रिलेशन हुआ, कंपनी टू इन्वेस्टर, राइट शेयर्स. लास्ट ये आया होगा कि नहीं पता नहीं मुझे, अगर मैं आवाम को बुला सकती हूँ मैं ग्रुप ऑफ पीपल को भी बुला सकती हूँ, प्राइवेट प्लेसमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट, ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे मैंने सिर्फ एसवासी को बुलाया, हो सकता है ना, एक्चुअली एसवासी को ऐसे नहीं बुलाते हैं, बट ऑब्वियसली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं हम लोग, तो मैं तुम नहीं, मैं बिलो पॉवर्टी लाइन वाली, तो ऑब्वियसली नहीं बुला सकते, सो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स मतलब अंबानीज और वो सब होते हैं, बहुत सारे जन को बुलाते हैं, बट एक साथ आवाम को बुलाते हैं कि सिर्फ छोटा ग्रुप ऑफ पीपल, दैट इज नोन एज प्राइवेट प्लेसमेंट. अभी मुझे बताओ प्राइवेट प्लेसमेंट न्यू इश्यू सेकेंडरी मार्केट, एग्जैक्टली ऑपोजिट ही हुआ यार, पब्लिक इश्यू का एग्जैक्टली ऑपोजिट प्राइवेट, ये आवाम को बुलाते हैं, ये ग्रुप ऑफ पीपल को बुलाते हैं, बट रिलेशन हमेशा कैसा होगा, कंपनी टू इन्वेस्टर, आई एम रेजिंग द कैपिटल थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, आया ना आंसर. अभी देखो तुमने रिलेशन एक बार देखा ना तो ऑटोमेटिक तुमको समझ गया ये पब्लिक इश्यू या सॉरी पब्लिक प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट. सो यहाँ पे और क्या लिखूं बेटा, प्राइवेट. अच्छा समझा. अच्छा अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछा, द कंपनी वॉन्ट टू रेज द कैपिटल थ्रू प्राइमरी मार्केट, विच आर द मेथड्स टू रेज द कैपिटल थ्रू प्राइमरी मार्केट, पब्लिक इश्यू, उसमें बोनस इश्यू, इजी पक्का रे बेटा, तो स्टॉक एक्सचेंज में कुछ भी नहीं आएगा, स्टॉक मतलब सेकेंडरी मार्केट में आएगा सिर्फ और सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ
एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज जो ऑलरेडी इधर इश्यूड है. डाउट है? डाउट है. हाँ बोल बेटा. ईसो प्राइवेट में आ जाता है, प्राइवेट में आ जाता है. ईसो अपना ESOP is employee stock option plan. Full form मैंने बोल दिया. आगे बोलो. You give just to employees. So employees is आवाम के group of people. Private में आता है वो. आएगा आएगा आएगा. ESOP का chapter ही है. Tension मत ले. ठीक है. ESOP, sweat equity shares ये सब है कि नहीं? Buyback of shares ये सब chapters है. सार तो तुमने सुना नहीं होगा. सार उसका सब 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 चैप्टर है. टेंशन मत लो, सब चैप्टर है. ठीक है. तो ईसॉप आ जाएगा, इसमें आएगा. सो आई नीड नॉट राइट अलग से ईसॉप. इफ आई राइट प्राइवेट प्लेसमेंट इट इंक्लूड्स एवरीथिंग. डाउट क्वेश्चन है बेटा, पूरा समझा? और कोई डाउट? वेरी गुड. हाँ, ऐसे डाउट पूछने के मेरे को. ये भी हो गया, ये भी हो गया. मतलब पब्लिक सॉरी प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. तू मुझे डिस्टिंक्शन बता सकते हो बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट? हाँ बोल. इसमें न्यू इश्यू होता है, इसमें एग्जिस्टिंग शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग होता है. नेक्स्ट, बिटवीन कंपनी एंड इन्वेस्टर, इट इज बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्टर्स. वेरी गुड. फिर थर्ड और एक, हाँ इट इंक्लूड्स पब्लिक इश्यू. यहाँ पे ये सब लिखने का, यहाँ पे सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज. और एक सोच के बोलो. हाँ बोल. नॉट, नहीं नहीं वो नहीं आएगा. प्राइस इज नॉट डिसाइडेड बाय कंपनी ऑल्सो. देर आर यू डोंट नो. बुक बिल्डिंग होता है उसमें, वेयर इन्वेस्टर डिसाइड द प्राइस. आई टेल यू दैट. होता है, होता है. छोड़ छोड़, नहीं आएगा ना, अभी नहीं आएगा. चलेगा, बट गुड ट्राई. नेक्स्ट. नहीं कुछ नहीं होता, छोड़ो छोड़ो. मैं बोलू? अच्छा मुझे, मैं क्वेश्चन पूछू ना. ना छोड़ दे छोड़ दे, मैं बोल देती हूँ. अभी यहाँ पे लिक्विडिटी के लिए करते हैं, ऐसा बोल सकती है. बट ठीक है, बोलू मैं एक. अच्छा, अगर कंट्री में प्राइमरी मार्केट नहीं होगा, तो क्वेश्चन था वही. रुकना, ऐसे मेरा क्वेश्चन ही छीने का यार. मेरा क्वेश्चन छीन लेती है. अगर कंट्री में प्राइमरी मार्केट नहीं होगा, सेकेंडरी होगा? So which is dependent market and primary market is independent market and secondary is dependent market on primary market. ये समझा? अच्छा और एक बोलू. अच्छा सोच के समझ के, तुमको एटलीस्ट इतना तो पता है ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स दोनों पता है तुमको. सोचो, दिमाग थोड़ा लगाओ. तुम लोग इतने इंटेलिजेंट बैच हो ना मेरे साथ रह रहे के. ठीक है, वो मेरी संगत का असर होता है. और दूसरे लेक्चर में इतना नहीं हो गए इंटेलिजेंट, मेरे लेक्चर में ज्यादा हो जाते हैं. चलो पूछ लूंगी मैं. ठीक है, अभी मुझे बताओ ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स, बाकी सारे इंटरमीडिएट्स करेंगे उनको मारो अभी गोली. ब्रोकर्स कौन से इसमें लग रहा है? क्योंकि वो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है ना. ब्रोकर्स को बाइंग एंड सेलिंग ही करते हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही बाइंग एंड सेलिंग होता है. तो ब्रोकर्स होगा तो वो सेकेंडरी मार्केट. अंडरराइटर्स बिकॉज वो इश्यू होता है यार. अभी नेक्स्ट, तो एक ब्रोकर इधर इधर क्या लिख दोगे? अंडरराइटर्स इज एन इंटरमीडियरी फॉर प्राइमरी मार्केट एंड ब्रोकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडियरी ऑफ सेकेंडरी मार्केट. बहुत सारे हैं बट बाद में लिख देना. ये समझा? पूरा समझा? प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट सब समझा? ये पूरा मेरा फर्स्ट पेज है, पूरा फर्स्ट पेज है बेटा. ठीक है, नॉट सो इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओनली इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू. अदर आगे समझेगा ही नहीं. नाउ आई विल यूज अ वर्ड ऑलवेज प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंड. यू शुड अंडरस्टैंड मैम क्या बोल रहे हैं. समझ रहा है? सो यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन लिया है बेटा, नॉट इम्पोर्टेंट. उसमें सिर्फ लास्ट थ्री लाइंस दिया है बेटा. बेटा इसको दिखा ना बेटा, अच्छी है मोक्षा अपनी. ठीक है, लास्ट थ्री लाइंस में लिखा है. हाँ बोल बेटा. चलो
देखो सिक्योरिटी मार्केट इंटरमीडियरीज में इंट्रोडक्शन नॉट इम्पोर्टेंट. जब भी मैं बोलती हूँ नॉट इम्पोर्टेंट, रीड वंस, तो रीड वंस एक बार सिर्फ रीड करके. जब नॉवल कैसे रीड करते हो बेटा, एक बार रीड करके समझ लो, नहीं आता है. बट अगर सपोज मान लो बाय फ्लूक आ गया, कभी कभी होता है ना यार, लोग लेते हैं यार, सो उसको रिस्क लेना नहीं है. सो यहाँ पे जो मेरे नोट्स में दिया है, प्लीज मेरे को है ना, मैं तुमको व्हाट्सएप नंबर देके जाऊंगी मेरा डाउट्स के लिए. बट वो लास्ट लेक्चर, बट अभी से नहीं. सो क्योंकि मैं आने वाली ना हमेशा. सो अभी अगर मान लो मैंने तुम लोग को ये दिया, मेरे को अगर आया मैम कौन सा चैप्टर छोड़ दू, ये कौन सा ये प्लीज कुछ छोड़ना नहीं है. कैसे छोड़ सकते हो यार गाइस, अगर सपोज मान लो ईसॉप, मैं तुमको बोल दूंगी चलो ईसॉप नहीं आ रहा, ईसॉप छोड़ दो. बट अगर मान लो कोई कंपनी को ईसॉप इश्यू करना है, ऑब्वियसली दे विल कम टू कंपनी सेक्रेटरी. चार्टर्ड अकाउंटेंट कितना लॉ आता नहीं है, अकाउंट्स आता है हाँ बोलने का, ठीक है. सो ऑब्वियसली दे विल विजिट कंपनी सेक्रेटरी. मान लो सपोज मोक्षा के पास आए और मोक्षा को बोला, मैम मैंने सुना आप अच्छी कंपनी सेक्रेटरी हो और हमारी कंपनी को ईसॉप इश्यू करना है, तो क्या बोलेगी? मैम ने बोला था ऑप्शन में छोड़ने को. ऐसा नहीं चले ना बेटा, यू कैन नॉट लीव एनीथिंग इन अ ऑप्शन. यू आर अ लीगल डॉक्टर्स, यू आर गोइंग टू बी अ लीगल डॉक्टर्स. अज्यूम करो यार, डॉक्टर को सिर्फ हाथ काटना आता है, ऐसा बंद करना नहीं आता है. क्या होगा बेचारा ऑपरेशन थिएटर पे. सो यू आर डॉक्टर्स गाइस, यू कैन नॉट लीव एनीथिंग, अंडरस्टूड? चलो जो बट कुछ छोड़ने का नहीं. चलो वहां पे ओवरव्यू ऑफ कैपिटल मार्केट, इंट्रोडक्शन नॉट इम्पोर्टेंट, जस्ट वहां पे तीन लाइन मार्क किया होगा, मैंने अंडरलाइन किया होगा, वो इम्पोर्टेंट. फाइनेंशियल सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट थ्रू विच द फाइनेंशियल सरप्लस, यानी फंड्स. अगर फाइनेंशियल सरप्लस याद नहीं रहता है तो बेटा फंड्स, फंड्स आर मोबिलाइज. सबको पेज नंबर मिला? पेज नंबर 9. सबको पेज नंबर, क्योंकि इधर उधर फाफे मार रहे हो, मिला? हाँ चलो ओके. फाइनेंशियल सरप्लस आर मोबिलाइज फ्रॉम यूनिट जनरेटिंग सरप्लस एंड ट्रांसफरिंग देम टू अदर्स हु नीड ऑफ देम. ये समझा? थ्री कॉम्पोनेंट्स. कौन से थ्री कॉम्पोनेंट्स? प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स मतलब इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बोनस, वो सब आएगा. मार्केट पार्टिसिपेंट का मतलब इंटरमीडियरीज, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज. समझा बेटा? चलो नेक्स्ट. सिक्योरिटी मार्केट क्या होता है, प्राइमरी मार्केट क्या होता है? सिक्योरिटी मार्केट में देखो नीचे प्राइमरी मार्केट लिखा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो. प्राइमरी मार्केट प्रोवाइड्स अ चैनल एंड फॉर अ सेल फॉर न्यू सिक्योरिटीज, मतलब इट इज अ न्यू मार्केट. एंड वाइल अ सेकेंडरी मार्केट डील्स इन द सिक्योरिटीज विच इज प्रीवियसली इश्यूड, मतलब एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज का बाइंग एंड सेलिंग. द इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटी सेल्स सिक्योरिटी इन विच मार्केट? प्राइमरी. अच्छा इश्यूअर वर्ड दिखा, किधर भी नोट्स में इश्यूअर वर्ड दिखा, ईश्वर समझोगे? नहीं तो क्या समझोगे? ईश्वर वर्ड दिखा कंपनी समझोगे. समझा बेटा? अच्छा सो ईश्वर में क्या आएगा बेटा? कंपनी. किधर लिखा है? द ईश्वर ऑफ सिक्योरिटी सेल्स द सिक्योरिटीज इन प्राइमरी मार्केट टू रेज फंड्स फॉर द इन्वेस्टमेंट और टू डिस्चार्ज सम ऑब्लिगेशन, मतलब टू पे ऑफ द डेट और टू रेज द funds for the investment purpose. अच्छा नीचे देखो क्या लिखा है. In other words, the markets wherein the resources are mobilized by company through issue of new securities. नए securities होगा तो कौन सा market बेटा? Primary market. The resources are required. क्यों पैसा चाहिए? For new project, या तो existing project का expansion, modernization, या तो डाइवर्सिफिकेशन एंड अपग्रेडेशन. ये समझा? नेक्स्ट, प्राइमरी मार्केट इज इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, यस और नो? यस, वेरी इंपॉर्टेंट. तो फर्स्ट ही लाइन देखो क्या लिखा है, प्राइमरी मार्केट इज ग्रेट सिग्निफिकेंट टू इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. क्यों इकोनॉमी ऑफ द कंट्री? क्योंकि इट इज थ्रू प्राइमरी मार्केट वेयर फंड्स फ्लो फ्रॉम प्रोडक्टिव पर्पस फ्रॉम द
इन्वेस्टर्स टू एंटरप्रेनर्स. इन्वेस्टर बोले हम लोग, यानी हाउसहोल्ड सेक्टर्स टू विच सेक्टर बेटा, बिजनेस सेक्टर्स दैट इज एंटरप्रेनर्स. इन शॉर्ट वही सेम चीज वापस अलग अलग लैंग्वेज में रिपीट हो रहा है. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट द लेटर. इधर लेटर का मतलब क्या है? एंटरप्रेनर्स. इधर लेटर का मतलब क्या है? एंटरप्रेनर. एक काम करो, वो कैंसिल कर दो लेटर और उसकी जगह पे क्या लिखोगे? एंटरप्रेनर्स. बेटर याद रहेगा. द एंटरप्रेनर्स यूज द फंड्स. क्यों पैसा यूज करता है? फॉर क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. कहां पे? इंडिया में एंड आउटसाइड इंडिया. द स्ट्रेंथ ऑफ इकोनॉमी. इकोनॉमी का स्ट्रेंथ कैसे पता चल जाता है? बाय स्टॉक एक्सचेंज. इन शॉर्ट, प्राइमरी मार्केट अच्छा ऑटोमेटिकली, सेकेंडरी मार्केट अच्छा ऑटोमेटिकली, इकोनॉमी अच्छा. ये समझा बेटा? अच्छा, उसके बाद लास्ट द प्राइमरी. ये लाइन सिखाओ. द प्राइमरी मार्केट क्रिएट्स एंड ऑफर्स मर्चेंडाइज. मर्चेंडाइज का मतलब प्रोडक्ट्स फॉर सेकेंडरी मार्केट. क्या मतलब हुआ? प्राइमरी मार्केट प्रोड्यूस करता है और यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होता है. अगर प्राइमरी मार्केट नहीं तो सेकेंडरी मार्केट नहीं होगा. समझा? डाउट है, क्वेश्चन है बेटा? अच्छा, लास्ट सेकेंडरी मार्केट तो ठीक है, इट इज नथिंग बट स्टॉक एक्सचेंज. एक बार सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज अंडरलाइन करो, बस और कुछ नहीं. पूरा समझा बेटा? हर एक पॉइंट समझा इसका. इट इज जस्ट टू क्लियर योर बेस. यहां से तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट होता है. मतलब तुम्हारे मॉड्यूल में, मॉड्यूल या तो स्टडी मटेरियल जो बोलते हो तुम लोग, उधर इधर से चैप्टर स्टार्ट होता है. मतलब तुम्हारा ये पार्ट है ही नहीं. बट नहीं समझेगा ना, डायरेक्टली इंटरमीडिएट कैसे समझाऊं मैं? अभी समझा, दो मिनट शांति, जो डाइजेस्ट करना है कर लो, जो क्वेश्चंस पूछना है पूछ लो, वरना आगे बढ़ते बाद में. पूरा समझा बेटा? अच्छा, इसमें ये लिखना है तुमको, ये पार्ट लिखना है. अच्छा, व्हाट यू प्रेफर, सी इट इज योर चॉइस बेटा. इफ यू प्रेफर अ सेपरेट बुक, यू मेक अ सेपरेट बुक फॉर सेबी. इफ यू फील दैट नहीं मैम हम लोग शीट में ही लिख देंगे, वो स्टिकी नोट्स आता है बेटा, तो वो स्टिकी नोट्स पे लिख देंगे, इट्स योर कॉल. या तो फिर इफ यू फील कि हम पेजेस में लिखेंगे, फिर जब भी सारे नोट्स हो जाएंगे सो पेजेस बीच में डालेंगे, स्पाइरल बाइंडिंग कर देंगे. सो वॉट एवर यू फील गाइज, इट्स योर कॉल. तुमको समझ में आना चाहिए, मेरा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. बट जब भी बोलती हूँ इतना लिखो तो इतना एटलीस्ट लिख लो. Need to write this and this. बस इकोनॉमी ड्रॉ मत करना. और जो भी डायग्राम्स में एग्जाम सॉरी बोर्ड पे ड्रॉ करती हूँ वो करो ड्रॉ. ऐसा नहीं है बुक में ड्रॉ करो. तुमको कभी कभी ना डायग्राम से याद आता है कि मैम ने ये डायग्राम ड्रॉ किया था. एग्जाम में ड्रॉ नहीं करना, इट इज इंजरियस टू योर मार्क्स. प्लीज एग्जाम में ड्रॉ नहीं करना, बट बुक में डायग्राम्स ड्रॉ करो. यू विल रिमेंबर कि मैम ने ये डायग्राम ड्रॉ किया था. चैप्टर नंबर्स लिखे है ना, वो चैप्टर नंबर आर एज पर योर मॉड्यूल नंबर्स. सो इट विल बी कंफर्टेबल फॉर यू इफ यू वांट टू सी द मॉड्यूल आल्सो, तो भी आप चैप्टर्स को ढूंढना नहीं पड़ेगा. ठीक है, सो आई वांट दैट द चैप्टर नंबर्स शुड बी
वो लोग चेंज करने वाले थे बट मैंने मना किया, मैंने बोला कि नहीं मुझे 1 2 3 चाहिए ही नहीं, मुझे जैसे मॉड्यूल में है तो तुमको फर्क क्या पड़ता है यार, 16 पहले आया या 12 बाद में आया या फर्स्ट नहीं, मुझे वो 1 2 3 मैंने मना ही कर दिया, ठीक है आई वॉन्ट लाइक दिस और मेरे को जैसे चाहिए मैं वैसे ही लेती हूँ। चलो अभी अभी करण, हाँ ये करण ऐसा देखना पड़ता है 3D इफेक्ट देने के लिए। बेटा बोला मत छेड़ा कर लड़की को, मत छेड़ा कर, देख टांग टूटी ना। चलो अभी सुनो विद्याचा, करण करण क्या है, सॉरी सॉरी, करण इंटरमीडिएट है, मतलब बीच वाला। अरे बिहार ये कुछ और ही समझ रहे करण, सीरियसली यार मैं कुछ और बोल रही हूँ, ये कुछ और समझ, मेरी भावना एक में भावना समझो, ठीक है। अभी करण क्या कर रहा है, सेल्फी नहीं निकाल रहा है, रुको। करण क्या कर रहा है, वो तीनों के बीच में लिंक है, मतलब वो करण ऐसे बीच में खड़ा है, ठीक है, और तीन इधर से गालियां पड़ रही है, इधर से गालियां पड़ रही है, इधर से बहुत ज्यादा गालियां पड़ रही है, और सेबी की गालियां छोटी मोटी नहीं होती, बीप 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 बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो सेबी इधर, सेबी यानी रेगुलेटर्स, एक्चुअली सेबी नहीं बोलते हम, क्या बोलते हैं, रेगुलेटर्स, रेगुलेटर्स सेबी भी हो सकता है, रेगुलेटर्स आरबीआई भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आरबीआई ऑल्सो नॉट इन्वॉल्व सो मच इन सिक्योरिटी मार्केट बट दे आर टू मच इन्वॉल्व इन मनी मार्केट, एक मनी मार्केट होता है उसमें इन्वॉल्व होता है, तो रेगुलेटर्स बोला ना, तो क्या समझोगे बेटा, सेबी एंड आरबीआई, ये समझा। यहां उसको एक इधर होता है इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स, और एक इधर लिंक होता है दैट इज कंपनी, बट हम कंपनी नहीं बोलते बेटा, हम क्या बोलते हैं, इश्यूअर, सो इंस्टेड ऑफ कंपनी वी यूज अ वर्ड इश्यूअर, सो आई कैन से इंटरमीडियरीज इज अ वाइटल, वाइटल वर्ड का मतलब क्या हुआ, वाइटल का मतलब इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन डैश डैश एंड डैश। अच्छा इन्वेस्टर को कैसे हेल्प करेगा, ऑब्वियसली टू टेक द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, किधर क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करने का, कौन से शेयर्स निकाल दो, वो सब को हेल्प करेगा। उसके बाद वो इश्यूअर को कैसे हेल्प करेगा, तुम याद रखो कभी भी मुक्कू सामने से आएगा नहीं, तुम्हारे पास सिक्योरिटीज ले लो खरीद लो, या ऐसा कभी देखा है मुक्कू को, देखा है ऐसा बोरिवली स्टेशन पे शेयर्स लेते हुए, बकड़ा डालते हुए, शेयर्स 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 खरीद लो मुक्कू के शेयर्स, ऐसा सब सुना है क्या मुक्कू का, ऑब्वियसली कभी नहीं, दिवाली ऑफर, दिवाली धमाका, ऐसे सब नहीं होता यार, वो मुक्कू का लेवल थोड़ी है यार, ऐसे थोड़ी करेगा, ऑब्वियसली ही रिक्वायर्स सम पर्सन यार, उसके बगैर उसके इश्यू होगा ही नहीं, दैट पर्सन्स आर इंटरमीडियरीज एंड इवन रेगुलेटर्स। सेबी अगर कुछ बोलेगा मुक्कू ने बराबर काम किया ना, मुक्कू ने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस कंप्लाई किए, मुक्कू ने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कंप्लाई किए, अच्छा मुक्कू आके सेबी को बोलेगा ए मैंने किया 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 तो मान लेगा नहीं, बट अगर कोई इंटरमीडियरी आके बोलेगा कि हाँ किया तो मानेगा हाँ, समझ रहा है। सो यहाँ पे इंटरमीडियरी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन इन्वेस्टर्स, सब लोग किसका गला पकड़ते हैं, इंटरमीडियरीज, सब इनफैक्ट इश्यूअर को तो अपॉइंट करना पड़ता है, किसको अपॉइंट करना पड़ता है, इंटरमीडियरी टू रेज द फंड्स या तो टू इश्यू द सिक्योरिटीज। बहुत सारे इंटरमीडियरीज होते हैं, एक साथ तीन इंटरमीडियरीज हो जाएंगे मेरे, एक साथ तीन, धीरे होगा चलेगा, इट्स ओके,
तीन इंटरमीडिएट हो जाएंगे. फर्स्ट मर्चेंट बैंकर. ये तुमने कभी कंपनी लॉ में वर्ड सुना है? सिर्फ वर्ड. हाँ वर्ड नहीं 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 शायद बहुत ज्यादा नहीं पता होगा, थोड़ा बहुत पता होगा. कुछ तो पता है मर्चेंट. हाँ बोल बेटा. वो शेयर इश्यू करवाती है कंपनी को. इश्यूइंग हाउस एंड मर्चेंट बैंकर्स मतलब दे हेल्प इन इश्यू, ऐसा बोल सकते हो ना? अगर अंग्रेजी में बोलना है तो क्या बोलो अंग्रेजी में बता? करेक्ट. दे हेल्प द कंपनी टू इश्यू द शेयर्स. बस उतना ही पता होगा. बट कैसे हेल्प करता है वो नहीं पता होगा. वो पता है? अरे बेटा तू ही जा. परफेक्ट. सो यहाँ पे कैसे पता? देखो किसमें कौन सा है? डीम प्रोस्पेक्टस. हाँ 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 हाँ. अच्छा हो गया तुम्हारा डीम प्रोस्पेक्टस. तुम्हारा हो गया मतलब सर का हो गया. और तुम्हारा नहीं. मैम अभी दिवाली, अभी एग्जाम्स. बट देखो सुनो, मुझे पता है हम दे ऑल्सो कैरी ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. अभी ठीक है कंपनी लॉ के हिसाब से यू आर करेक्ट. अभी हम सभी सीख रहे हैं. ऑब्वियसली उसमें भी वही होगा, कुछ और चेंज नहीं होगा. बट हम कैसे समझेंगे? धीरे धीरे समझेंगे. मेरे को बताओ मर्चेंट बैंकर. बैंकर बैंकर क्या होगा? बैंकर मतलब कौन होगा? मतलब मोक्ष हो सकती है? नहीं. बैंक है वो? नहीं. श्रेया हो सकती? श्रेया. श्रेया हो सकती है? नहीं. बैंक है वो? एसबीआई हो सकती है? आईसीआईसीआई हो सकती है? एचडीएफसी हो सकती है? देना बैंक हो सकती है? एक्सिस बैंक. हाँ बैंक होना चाहिए. सो मर्चेंट बैंकर कौन होगा? हमेशा बैंक. अभी क्या करोगे ना, एक बार तुम लोग को ट्रिक आना चाहिए कि वंस यू रीड द नेम यू शुड अंडरस्टैंड एंड गेट द आंसर फ्रॉम द नेम इटसेल्फ. सो एक बार नाम से तुमको आंसर्स आ गए ना तो क्या हो जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में ही तेरे को आंसर मिल जाएगा क्योंकि उसने लिखा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मर्चेंट बैंकर. अच्छा ए बेवकूफ तूने क्वेश्चन में आंसर दिया. हाँ कि नहीं? ऑब्वियसली यार, क्योंकि बैंकर बोल दिया तो ऑब्वियसली वो क्या होगा? बैंक. वैसे याद रखो यू विल नेवर एवर फॉरगेट. कभी भी नहीं. रात को 2 बजे फोन करके पूछा तेरे को, नाम भूल गई मैं तेरा. हाँ नीरव. ठीक है नीरव को मैंने रात को फोन करके पूछा 2 बजे, ट्रिंग ट्रिंग रिएक्टिंग कर. हेलो हेलो भी नहीं बोलता है यार, एक्टिंग भी नहीं आता इसको. हेलो मर्चेंट बैंकर क्या होता है? बैंक. ऑलवेज इट विल बी अ बैंक. ये समझा? क्योंकि बैंकर नाम ही समझ बैंक. अच्छा अभी दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज दे हेल्प इन इश्यू ना बेटा. ए वापस आ जाओ. दे हेल्प इन इश्यू ना. सो दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज इश्यू मैनेजर. ऐसा बोलने का, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज इश्यू मैनेजर. दे मैनेज द इश्यू. अच्छा कंपनी कैन अपॉइंट मोर देन वन मर्चेंट बैंकर, येस और नो? येस. सो अगर मैंने क्वेश्चन पूछा कंपनी कैन अपॉइंट मोर देन वन मर्चेंट बैंकर, कैन अपॉइंट, तो आंसर आएगा येस. चलो मान लो मैंने 3 मर्चेंट, मैं इश्यूअर, ठीक है, मैंने 3 मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट किया. एक मोक्षा कोऑपरेटिव बैंक, बैंक है बैंक है मोक्षा कोऑपरेटिव बैंक, श्रेया कोऑपरेटिव बैंक और एकता कोऑपरेटिव बैंक. डन. नहीं एकता एकता लेना बैंक. अच्छा अभी अभी नेक्स्ट, मैंने एक से ज्यादा मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट किया बट मैंने मोक्षा को बोला मोक्षा यू हैव अ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इश्यू. मतलब इश्यू करने के लिए यू हैव अ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर इसके पास प्राइमरी है तो इसके पास सेकेंडरी होगी दोनों के पास. यहाँ पे मोक्षा विल बी कंसिडर्ड एज लीड मर्चेंट बैंकर या तो लीड मैनेजर, वन एंड द सेम. तो यहाँ पे लीड मर्चेंट बैंकर बोलो या लीड मैनेजर बोलो,
कुछ भी सेम हो जाएगा. उसके बाद श्रेया एंड एकता विल बी कंसिडर्ड एज को मैनेजर्स. को मैनेजर्स उनको क्या बोलेंगे? को मैनेजर्स. सो यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन मैं पूछूं whether company can issue more than appoint more than one merchant banker, yes or no? Yes. The person who has a primary responsibility is known as dash. Lead merchant banker or lead manager. And others are known as co-managers. Done. Achha, abhi they are considered as issue manager. Why? Because they help in issue. Issue of securities. कैसे हेल्प करता है अभी देखा सुनो. फर्स्ट दे विल ड्राफ्ट द प्रोस्पेक्टस. ऐसे नहीं बोलेगा. फर्स्ट दे विल प्रिपेयर द ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस. सुनो फर्क. हाँ, फर्स्ट दे विल प्रिपेयर. प्रिपेयर मतलब बनाएगा. ड्राफ्ट का मतलब रफ, फेयर नहीं. सो फर्स्ट दे विल प्रिपेयर. प्रिपेयर करेगा क्या? प्रिपेयर करेगा बेटा ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस. ये समझा? सेकेंड, ये ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस हमेशा किधर जाएगा? सेबी के पास. ठीक है, आरओसी के पास ड्राफ्ट कभी भी नहीं जाता है. तो यहाँ पे सर ने ये सब नहीं बोला होगा क्योंकि ये कंपनी लॉ में नहीं आएगा, ये सेबी में आएगा. ठीक है, सो यहाँ पे प्रिपेयर ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस एंड फाइल दैट ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस विद सेबी. मतलब कभी भी मैंने पूछा ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस बोला मैंने, सीधा आंसर आना चाहिए जाएगा सेबी. आज का तुम्हारा व्हाट्सएप स्टेटस, वो तुम लोग स्टोरी अपडेट करते हो ना? करते हो ना? तो नहीं करते हो तो आज करो. आज करो फॉर अ चेंज. क्या लिखोगे? ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस शुड बी सबमिटेड टू सेबी. मच जाएगा. किसी का भी स्टेटस पढ़ोगे, अच्छा एवरी टाइम वो देखोगे ना, याद आएगा. अच्छा ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस सेबी. आरओसी बोलने का ना है. रात को 2 बजे नीरव को फोन किया. नीरव तू ही रात को 2 बजे क्यों जागता है भाई? बाकी सब क्या करता क्या है 2 बजे? करता क्या है तू नीरव? डाउट आता है मेरे को अभी. ठीक है, अच्छा चलो सुनो अभी ध्यान से. ठीक है, अच्छा. सो प्रिपेयर ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस विथ सेबी. नाउ सेबी का आदत है ऐसा बीच में ऐसा नाक घुसाड़ने का. ठीक है, मतलब वो क्या करेगा पता है? कमेंट्स देगा. तुम भी कमेंट्स देते हो ना? देते ना फेसबुक पे, ऐसा मैंने ऐसा आउटफिट ऑफ द डे ऐसा डाला. सो क्या मैम हूं यार, मैम हूं तो अच्छा भी नहीं लगा होगा. मैम ब्यूटिफुल डिपे, यू आर लुकिंग वेरी यंग. लुकिंग यंग क्या होता है? आई एम यंग. ऐसा मेरे को कोई लिखता है ना, मेरे को गुस्सा आता है. मैम लुकिंग यंग, अरे यंग क्या होता है? आई एम यंग ऑलरेडी, तो लुकिंग क्या होता है उसमें? अच्छा अभी यहाँ पे सो तुम लोग भी कमेंट डालते हो. वैसे सेबी का भी आदत है क्या करने का? कमेंट देने का. बोलेगा बोलेगा ये सिक्स वाला कमेंट अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कर दे. अरे तूने ये वाला तो डाला ही नहीं, ये इसको ऐसा होना चाहिए. और ये वाला कमेंट कोई काम का, सॉरी ये वाला पॉइंट कोई काम का नहीं है, निकाल दे. अभी ये मर्चेंट बैंकर के पास कमेंट आया. ठीक है, ऐसा मोक्ष ईगो हट करके बैठेगी, मेरे प्रोस्पेक्टस में कैसा प्रॉब्लम निकाला? ऐसा करेगी वो? ऑब्वियसली नहीं. हाँ करेगी. अच्छा वो करेगी बेटा, वो निकल जाएगी फिर मार्केट से ही. ठीक है, सेबी माय बाप है तेरा, खाना पीना वही देता है तेरे को. ठीक है, अभी सेबी क्या करेगी? कमेंट्स देगी. सो सेबी विल गिव द कमेंट्स. बेचारे को टाइम लगता है बेटा, बहुत बिजी आदमी है. 30 डेज. कितना दिन लगता है? 30 डेज. ये फ्लूक मारा उसे, क्योंकि क्योंकि कंपनी में हर जगह 30 डेज आता रहता है इसके लिए. ठीक है, तो सेबी कमेंट देगा विद इन 30 डेज. अब अच्छा अभी ऐसे गर्ल्स को इम्प्रेस करने के लिए 30 डेज. ठीक है, अच्छा अभी अच्छा कभी कमेंट देगा
30 डेज में, फिर वो कमेंट्स को इग्नोर करने का कि इनकॉर्पोरेट करने का, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब बेसिकली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरी लीड मर्चेंट बैंकर की. सो व्हाट शी विल डू बेटा, मोक्षा विल डू, मोक्षा ले इनकॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेट द कमेंट्स. हो गया, ओके डन. आफ्टर ही इनकॉर्पोरेट द कमेंट्स, फाइनल प्रोस्पेक्टस बन गया. दैट फाइनल प्रोस्पेक्टस शैल बी सबमिटेड टू वापस सेबी को सिर्फ बताएगा कि वी हैव, ही विल जस्ट सर्टिफाई दैट दैट आई हैव इनकॉर्पोरेटेड द कमेंट. सो ही हैज टू गिव द सर्टिफिकेट आई हैव इनकॉर्पोरेट द कमेंट्स, बट द फाइनल कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस शुड बी फाइल्ड विद आरओसी. आरओसी के बाद तुम्हारा कंपनी लॉ स्टार्ट हो जाएगा, मतलब देन यू हैव टू गिव टू पब्लिक, फिर वो पब्लिक एप्लीकेशन देगा, अलॉट होगा, वो ठीक है, वो समझा. सो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट द कमेंट एंड फाइल द प्रोस्पेक्टस विद वो हूँ बेटा आरओसी. डाउट है, क्वेश्चन है, पूरा समझा बेटा. सो दिस इज द वर्क विच इज डन बाय मर्चेंट बैंकर. सो अगर मान लो गाइस क्या हुआ, अगर मान लो मर्चेंट बैंकर के बारे में पूछा तो इतना सब, अगर टाइम है तो लिख लो, अगर टाइम नहीं है, क्योंकि आगे भी बहुत लिखना है, मैं बताऊंगी क्या क्या लिखना है, इतना समझा. सो सबसे पहले वो काम क्या करता है बेटा, इश्यू मैनेजमेंट. अभी मुझे बताओ, सिर्फ बैंकर है यार, अब बैंक है यार, अब बैंक विल डू ओनली द वर्क ऑफ इश्यू मैनेजर, कि ही विल डू अदर इंसिडेंशियल वर्क ऑल्सो विच इज रिलेटेड टू द मार्केट, अदर वर्क ऑल्सो. जैसे फॉर एग्जाम्पल सुनो, ही कैन एक्ट एज अ ब्रोकर, वो ब्रोकर भी बन सकता है, क्योंकि तुम लोग नहीं खोलते हो क्या डीमैट अकाउंट, पता है डीमैट अकाउंट खोलते हो ना किधर, बैंक्स में, या तो ब्रोकर हो सकता है या तो फिर अंडर राइटर्स, बोलोगा ना अंडर राइटर्स कैन बी बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. सो ही इज अ मर्चेंट बैंकर, ही कैन एक्ट एज अ ब्रोकर ऑल्सो, ही कैन एक्ट एज अ अंडर राइटर्स ऑल्सो, या तो ही कैन ऑल्सो गिव एन एडवाइजरी सर्विसेस, एडवाइस देगा रिलेटिंग टू न्यू प्रोजेक्ट. जैसे फॉर एग्जाम्पल रामदेव बाबा, सबको पता है रामदेव बाबा गए किधर, गए बैंक के पास, कौन से, एकता कोऑपरेटिव बैंक, हाँ लेना बैंक, एकता लेना बैंक, ठीक है. रामदेव बाबा गए, बच्चा मेरे को पतंजलि का एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, मैं करूं या नहीं करूं, एकता क्या बोलेगी, आपकी मर्जी, ऐसा नहीं, ऑब्वियसली शी विल डू द इन्वेस्टिगेशन और फिर वो एडवाइस देगी, हाँ ये प्रोजेक्ट फिजिबल है या नहीं. सो यू आर गिविंग एडवाइस रिलेटिंग टू न्यू प्रोजेक्ट्स, ऐसा भी कर सकती है. टैक्स कंसल्टेंट का भी काम करते हैं यार बैंक्स, करते हैं कि नहीं करते, अच्छा उसको मर्जर पता है, मर्जर्स, मार्गमेशंस, टेक ओवर्स, अगर वो सब भी करना है, उसके बारे में भी एडवाइस चाहिए रोहन, उसके बारे में भी एडवाइस चाहिए, तो ऑब्वियसली वो भी एडवाइस देगा, किसके बारे में देगा, सबके बारे में. इन शॉर्ट ये काम तो करेगा ही इश्यू मैनेजमेंट का, उसके साथ साथ ये भी काम करेगा, एक और काम है सिंडिकेशन ऑफ रूपी टर्म लोन. नहीं समझेगा, रुको, सिंडिकेशन का मतलब कलेक्शन ऑफ अ रूपी टर्म लोन. टर्म लोन मतलब सपोज फॉर एग्जाम्पल, नाम बोल बेटा, ध्वनि आई मेरे पास, ठीक है, मैं बैंक हूं, मेरे पास आई और ध्वनि ने बोला मैम मेरे को 100 करोड़ का लोन चाहिए. कभी भी तुमने सुना है बैंक्स को ऐसे बोलते हुए, आज थोड़ा कैश क्राइसिस है, थोड़ा 100 करोड़ नहीं, 40 करोड़ में परवड़ता है तो ले ले, ऐसा कभी बोलता है बैंक, नेवर. ऑब्वियसली कभी भी कोई क्लाइंट छोड़ेगा नहीं, तो वो क्या बोल देगा, ठीक है आप ऑब्वियसली सब देखेगा और फिर बोलेगा आपका लोन अप्रूव, बट 100 करोड़ का रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगा एक बैंक के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, वो बाकी बैंक्स के पास जाएगा. जैसे मैं मोक्षा कोऑपरेटिव बैंक के पास गई, मैं श्रेया कोऑपरेटिव बैंक के पास गई, एकता के पास गई, और मैं, हमने बोला कि हम चारों जन मिलके उसको लोन देते, तो मैंने कलेक्शन किया, कलेक्शन ऑफ बैंक्स किया, दैट इज नथिंग बट सिंडिकेशन. तुम्हारे तेरे टर्म लोन के लिए मैंने सिंडिकेशन किया ना, आई डिड ना, आई एम मर्चेंट बैंकर, यस और नो, अ बैंक कैन डू दैट ऑल्सो, सिंडिकेशन ऑफ रूपी टर्म लोन. अभी समझा ये पॉइंट, एक भी डाउट है बेटा,
सो मर्चेंट बैंकर क्या क्या करता है, कैसे आएगा? मर्चेंट बैंकर इज एन इंपॉर्टेंट इंटरमीडियरी फॉर इश्यू मैनेजमेंट. कमेंट, यस कमेंट होगा तो ऑब्वियसली इट इज करेक्ट स्टेटमेंट. ओके डन, यस लिखेगा दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. और फिर क्या लिखेगा? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मर्चेंट बैंकर. इन शॉर्ट वो लोग क्या करते हैं ना, सेबी में प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना तुम्हारे साथ, तुम लोग डर जाते हो सेबी में कि मैम ये तो किया ही नहीं था. अरे नहीं रे बेटा, कभी कभी वो लोग इनडायरेक्ट, देख डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे यार, एट व्हाट लेवल यू आर गाइस, सो दे विल नेवर आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन. ऐसा कैसे पूछ सकते हैं? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मर्चेंट बैंकर. दे विल ऑलवेज, वो मर्चेंट बैंकर का पूरा शॉर्ट नोट होगा ना, उसमें से एक लाइन उठा लेंगे. ठीक है, मर्चेंट बैंकर इज इंपॉर्टेंट इंटरमीडियरी फॉर इश्यू मैनेजमेंट, वो एक लाइन उठाया, कमेंट डाल दिया. इन शॉर्ट दे आर आस्किंग यू द शॉर्ट नोट ऑन मर्चेंट बैंकर. इन शॉर्ट वही होता है, देख सिर्फ घुमा फिरा के पूछते और कुछ करते नहीं है, और वो घुमा फिराने में शॉर्ट नोट ही अल्टीमेटली आंसर आता है. या तो कभी कभी क्या आएगा, एक स्टेटमेंट डालेंगे इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट. अरे लाइट हो डार्क हो तुमको फर्क क्या पड़ता है, स्टेटमेंट समझना चाहिए मेन. वो स्टेटमेंट समझ गया फिर नीचे मेन क्वेश्चन होता है, तो वो स्टेटमेंट कभी कभी समझता भी नहीं है बट वो क्वेश्चन इजिली समझ जाता है, वो डायरेक्ट होता है. समझ रहा है? सो वैसे सेबी में आता है, तो प्लीज डोंट गेट नर्वस व्हेन सेबी पेपर कम्स. हाँ और सेबी में सम्स भी आते हैं, बी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर सम्स. ठीक है, नहीं आते हाँ, कभी क्या हो जाता है ना सेबी में सम्स आना, अरे मैम यार थ्योरी सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल कैसे आता है? आता है, कुछ नहीं कर सकते यार, ऑप्शन नहीं है. बट सम्स हम लोग है ना सिखाने के लिए, तुम टेंशन क्यों लेते हो यार? समझा? क्लियर? अच्छा हाँ बोल ना बेटा. यस नहीं, एक से ज्यादा कर सकते. हाँ लीड मर्चेंट बैंकर, यस दोनों जन उसको हेल्प करेंगे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर डिसाइड करने के लिए, मतलब कौन सा डेट कितना होना चाहिए, इक्विटी कितना होना चाहिए. दे विल जस्ट हेल्प यू टू स्मूदन द प्रोसेस. You need a helping hand, right? Issue is not so easy, guys. So if you feel that issue, अभी किया 10 दिन में issue हो जाता है, ऐसा होता नहीं है. It takes a long time for issuing. You need a helping hand. So once you, they will just help you to smooth the process. समझा बेटा? But main responsibility तेरा. मतलब ये सब sign कौन करेगा? तू. In lead merchant banker, everything, all documents are signed by लीड मर्चेंट बैंकर. इनका दोनों का सिग्नेचर नहीं होगा, दे आर जस्ट हेल्पिंग यू. समझ रहा है बेटा? डाउट है, क्वेश्चन है बेटा, पूरा समझा? सो मर्चेंट बैंकर डन. कोई भी डाउट है तो बोलो. नहीं ना, क्योंकि मेरे को कनेक्शन लेना है. कोई भी अभी तक डाउट है तो बोलो. नहीं, अच्छा मर्चेंट बैंकर का काम खत्म. कहाँ खत्म हुआ मर्चेंट बैंकर? इश्यू से रिलेटेड आरओसी तक खत्म हो गया. अभी तुम सोचो, बॉस सोच के आंसर दो तो ही तुमको, तुम खुद आंसर दोगे ना बेटा, देन यू विल अंडरस्टैंड सेबी वेरी फास्ट, क्योंकि तुमने खुद ने आंसर दिया, तुम कभी भूलोगे नहीं. चलो मुझे बताओ फटाफट, आरओसी में फाइल हो गया, थिंक द स्टेप्स, थिंक व्हाट विल हैपन आफ्टरवर्ड्स, नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन. आरओसी के पास गया प्रोस्पेक्टस, फिर क्या बेटा? नहीं नहीं इश्यू नहीं करेंगे डायरेक्टली, डायरेक्टली इश्यू नहीं करेंगे. आरओसी के पास गया, प्रोस्पेक्टस किसके पास जाएगा? नहीं आरओसी के पास गया, उसके बाद कभी किसके पास जाएगा? पब्लिक. ओके ओके बस मेरे को याद तक चाहिए. पब्लिक के पास गया, अज्यूम करो तुम सब पब्लिक, फर्स्ट बेंच को छोड़ दो, ठीक है तुम सब पब्लिक. ये तीन क्या थे? मर्चेंट बैंकर्स. ठीक है, इनका काम खत्म, अभी एक और इंटरमीडियरी का काम स्टार्ट. ना रुक ना, मेरे को बोलने, मेरे को तो बोल देते यार. सुन अभी आते, पब्लिक हो तुम, तुमने प्रोस्पेक्टस पढ़ा मेरी कंपनी का, ईश्वर कंपनी का, क्या करोगे तुम? क्या करोगे बताओ? प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया, अभी क्या करोगे? करेक्ट, तुम क्या करोगे? एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे. हाँ है ना? मुफ्त में क्या एप्लीकेशन मनी अटैच करोगे? एप्लीकेशन फीस नहीं बोलते, एप्लीकेशन मनी बोलते. ठीक है, एप्लीकेशन मनी अटैच करोगे?
अच्छा मुक्कू तो बैठा ही है तुम्हारे लिए ऐसा लेने के लिए, आओ आओ तुम्हारा ही इंतजार था ऐसा नहीं ना, तो कोई इंटरमीडियरी चाहिए ना, इसका काम खत्म। नेक्स्ट इंटरमीडियरी रजिस्टर टू एन इश्यू, नहीं सुना होगा कभी भी, अभी तो ये तो कंपनी लॉ में भी नहीं आया है, अभी से भी स्टार्ट। रजिस्टर टू एन इश्यू, देख नाम बोला रजिस्टर टू एन इश्यू, मतलब दे आर हेल्पिंग इन इश्यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रीति, प्रीति इज अ रजिस्टर टू एन इश्यू, सो तुमको रजिस्टर टू एन इश्यू करवाना चाहिए। इसका काम खत्म हो गया, प्रीति का काम स्टार्ट हो गया। क्या करेगी प्रीति? एप्लीकेशन फॉर्म एंड एप्लीकेशन मनी कलेक्ट करेगी। वेरी गुड, सो हम अंग्रेजी में बोलेंगे, बोलो। बिकॉज प्रॉब्लम क्या होता है ना, अंग्रेजी नहीं लिख पाते हो, हिंदी में समझ जाता है। यू हैव टू जस्ट फ्रेम द सेंटेंस गाइज। स्टार्ट, एक मिनट, पहले हेडिंग तो देने दे। रजिस्टर टू एन, माय मिस्टेक, टू एन इश्यू, रजिस्टर टू एन इश्यू, बोलो करता क्या है। स्टार्ट, कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड एप्लीकेशन मनी, ये समझा? इजे इजे। अभी नेक्स्ट सुनो, आ गए तेरे फॉर्म्स तेरे पास? अच्छा, अभी उसको शेयर्स अलॉट करने हैं, बट अलॉट कैसे करेगी? देख देख, ऐसा फॉर्म देखेगी, लड़का आओ, शक्ति कपूर, लेडी शक्ति कपूर आ गई, ठीक है, अच्छा दिख रहा है, चलो इसको अलॉट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अदर्स बिल्कुल नॉट इंटरेस्टेड, जाने दो। ऐसे होता है, रोहन का आया छे कचरे के डब्बे में, बताओ ऐसा करेगी कैसा? नहीं करेगी, ऐसा नहीं होता है यार, जो अच्छा लगा उसको अलॉट करने का, सबको अलॉट करने का नहीं बेटा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता ना, कभी ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है। सो यहाँ पे प्रोरेटा नहीं लिखने का, प्रोरेटा नहीं लिखने का, कैसे लिखने का मैं बताती हूँ। देयर इज अ गाइडलाइंस व्हिच इज गिवन बाय सेबी, यू नीड टू फॉलो द गाइडलाइंस व्हिच इज गिवन बाय सेबी। तो सेबी ने गाइडलाइंस दिया है फॉर, नाउ लिसन दिस वर्ड गाइज, नया वर्ड आया, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, वापस बोल रही हूँ, एक मिनट, ऊपर गया, बी ए एस आई एस, बेसिस ऑफ, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, देख नाम बोल रहा है बेटा, ऑन व्हाट बेसिस यू नीड टू अलॉट द शेयर्स, वही हुआ ना, ऑन व्हाट बेसिस यू नीड टू अलॉट द शेयर्स, हु विल डिटरमाइन दैट बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, रजिस्टर टू एन इश्यू बाय फॉलोइंग द गाइडलाइंस व्हिच इज गिवन बाय सेबी, समझ रहा है? सो हु विल डिटरमाइन, इट इज योर जॉब मैडम टू डिटरमाइन, डिटरमाइन व्हाट बेटा, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, फिर हो गया डिसाइड हुआ कि इसको इतना इन्वेस्ट करना है, सॉरी इसको इतना अलॉट करना है, इसको इतना अलॉट करना है, इसको इतना अलॉट करना है, सो शी विल प्रिपेयर व्हाट लिस्ट, लिस्ट बनाएगी ऑफ अलॉटीज, अलॉटीज बोलने का, क्योंकि अलॉटमेंट जिसको अलॉट होता है उसको क्या बोलेंगे बेटा, अलॉटीज, सो शी विल प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ अलॉटीज, हो गया, जिसको अलॉट हुआ उसको क्या देगी, अलॉटमेंट लेटर, और जिसको अलॉट नहीं हुआ उसको रिग्रेट लेटर अलोंग विद रिफंड ऑर्डर। तो अगर रिग्रेट लेटर नहीं लिखा तो चलेगा, डायरेक्टली लिखो रिफंड ऑर्डर, डायरेक्ट रिफंड ऑर्डर लिखोगे मतलब इट इज अज्यूम्ड के उसको अलॉट नहीं हुआ, इट्स अ रिग्रेट, ये समझा? सो डोंट राइट रिग्रेट, इंस्टेड यू राइट रिफंड ऑर्डर, दिस इज बेटर। डाउट है ये किसका काम है? रजिस्टर टू एन इश्यू, मतलब तुम्हारा तीनों का काम खत्म, रजिस्टर टू एन इश्यू का काम स्टार्ट, अभी समझा? एक भी डाउट है तो बोलो, पक्का? अच्छा,
अभी हो गया, रजिस्ट्रार का काम खत्म। ये तो बेस ऊपर ऊपर से क्लियर किया मैंने, डन। अभी इसका काम ये देखो, बेचारी प्रीति, प्रीति अकेली जान, बेचारी इतनी बोली बाली कहां कहां भटकेगी। देखो हर इन्वेस्टर एक ही जगह पे रहता है, ऐसे जरूरी नहीं तू गोवा रह रहा है, तू भी गोवा ही जा, तू भी गोवा ही रह रही है। तू बेटा इंडिया में रहने देना उसको, पाकिस्तान नहीं राजस्थान, ओके पाकिस्तान क्यों बोल रहा है यार, राजस्थान जा। तेरे को किधर जाना है? गुजरात। अच्छा तो गुजराती है, वेरी गुड। तेरे को किधर जाना है? अच्छा मत पन गुजराती, मेरे को की है तू बेटा लेवल में आके बात कर। ठीक है, गोवा जा, गोवा अच्छा है। अभी सारे इन्वेस्टर्स एक ही जगह होंगे ऐसा जरूरी नहीं, रजिस्टर्ड टू एन इश्यू तो एक ही जगह पे लोकेटेड होगा। सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा ना बेटा, तुम सब अभी तो ऑनलाइन हो गया है तो इट इज वेरी इजी, बट पहले ऐसा नहीं था। सो ऑब्वियस और हर एक जन को ऑनलाइन अभी भी आता नहीं है, सो दे स्टिल गो, दे कलेक्ट द एप्लीकेशन फॉर्म, दे फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म, दे फिल अप फिजिकली मनी। ऐसा अभी भी बहुत सारे जन अभी भी करते हैं, बिकॉज एवरीवन इज नॉट कंफर्टेबल विद ऑनलाइन। तो अभी यहाँ पे क्या होगा ना, इसको वो क्या बोलेगी यार, मैं ईश्वर को क्या बोलेगी, मैं तो अकेली जानू, मैं कहाँ कहाँ भटकूंगी, ऐसे बोलेगी ना। तो ईश्वर ने बोला मैं हूं ना, टेंशन क्यों लेता है, अभी मैं तेरे हेल्पिंग के लिए और तीन जन को अपॉइंट करता हूं, दैट इज बैंकर्स टू एन इश्यू। देख सा सेम नाम लग रहा है, रजिस्टर टू एन इश्यू, बैंकर्स टू एन इश्यू, मतलब दे विल ऑल्सो हेल्प इन इश्यू। तेरा एक काम मैं बैंकर्स टू एन इश्यू को डेलीगेट कर देता हूं, तेरा एक काम सिर्फ पहला वाला, कौन सा? तो तू टेंशन मत ले, ये लोग तेरे लिए क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड एप्लीकेशन मनी। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है इनके पास आएंगे, किनके पास? बैंकर्स टू एन इश्यू के पास आएंगे। वो सारा रिपोर्ट्स बनाएगा, रिपोर्ट इश्यू वो कहां तक पहुंचा वो सब रिपोर्ट्स तुम बनाओगे, और किसको दोगे? रजिस्टर टू एन इश्यू यानी प्रीति को दोगे। फिर प्रीति विल डू ऑल दिस थिंग, आफ्टरवर्ड शी विल डू ऑल दिस थिंग्स, समझ रहा है? सो यहाँ पे बैंकर्स टू एन इश्यू को भी अपॉइंट करना पड़ेगा। सो देर आर थ्री इंटरमीडियरीज विच आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ इश्यू, वन इज मोर ऑल्सो, सबसे पहले उसके बगैर इश्यू होगा ही नहीं, कौन? मर्चेंट। सेकेंड, थर्ड, करेक्ट। नेक्स्ट इज बैंकर्स टू एन इश्यू, कौन होगा यार? हमेशा बैंक्स, सेम बैंक्स भी हो सकता है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट तुम लोगों ने मना कर दिया तो कोई डिफरेंट बैंक्स भी हो सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, करंट डाउट है, रुक जा बेटा, मेरे को इतना करने दे। ठीक है, बैंकर्स टू एन इश्यू हो गया। क्या करेगा सबसे इंपॉर्टेंट काम? वही काम करेगा बेटा, कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड एप्लीकेशन मनी, वो काम करेगा। ठीक है, फिर रिपोर्ट्स बनाएगा। अच्छा ये एप्लीकेशन फॉर्म कहां सबमिट होगा? नहीं, बैंक में सबमिट हुआ फिर ये लोग तीन क्या करेंगे? पूरी बना के चना ममरा खाएंगे? नहीं, तो क्या करेंगे ये तीन जन? आरटीए को देंगे। तुम आरटीए मत लिखो, तुम बोलो कंपनी को देंगे। ठीक है, कंपनी को देंगे, फिर कंपनी किसको देता है? आरटीए को। सॉरी, नहीं नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स ओनली मैडम, ओनली थिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डेलीगेटेड, अंडरस्टूड? सो यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट डजंट मीन अभी तेरे पास ये नाम बोल बेटा, वैभवी तेरे पास आती है तो ऐसा नहीं बोल सकती नहीं हमने तो नहीं लेंगे, ऐसा नहीं बोल सकती है। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली टू कलेक्ट एप्ली, बट तू नहीं पहुंच पाती ना हर जगह,
इसके लिए अभी यहाँ पे ये दिल्ली में रहता है, ये गोवा में रहते हैं, ये लोग गोवा में रहते हैं, ये गुजरात में रहता है, ये राजस्थान में रहता है, तो तू कहाँ जाएगी? सबके पास जाएगी, फॉर्म दे नहीं जाएगी ना. सो हर एक सेंटर्स पे, अलग अलग जगह पे बैंकर्स टू एन इश्यू को अपॉइंट करेंगे. सो दे आर नॉट फ्रॉम द सेम सिटी, दे आर फ्रॉम different cities, so that investors ko koi takleef. Now investor can come and file the application form to bankers to an issue. Wo tum log ko denge, to obviously wo tera hi responsibility, to tere mein hi aana chahiye. Samjha? Theek hai. Collection of application form and application money, ye samjha? Acha, abhi ye tino application form ka kya karenge, that is my question. सबमिट टू द कंपनी अलोंग विद द रिपोर्ट. पूरा रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, कभी एप्लीकेशन फॉर्म आया, किसके नाम का आया, कितना एप्लीकेशन मनी आया, मतलब दे नीड टू प्रिपेयर द रिपोर्ट. सो ये एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी सबमिटेड टू कंपनी. ठीक है, कंपनी लिखू? अभी तो आना चाहिए बेटा. कंपनी नहीं लिखूंगी, क्या लिखूंगी? इश्यू. अच्छा, इफ इन एग्जाम गलती से तुमने कंपनी लिख दिया, इट्स ओके, दे विल नॉट गिव यू रॉन्ग. समझ रहा है? ओनली थिंग, मॉड्यूल में लैंग्वेज इश्यूअर लिखा है, तो इफ यू राइट इश्यूअर इट्स ओके, बट इफ यू डोंट रिमेम्बर राइट कंपनी, डन, इट्स ओके. अभी यहां पे एप्लीकेशन मनी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो कहां जाएगा? अभी एप्लीकेशन मनी कहां ट्रांसफर होगा, कहां जाएगा? बैंक अकाउंट में जाएगा, बट वो बैंक अकाउंट कंपनी का नहीं हो सकता, क्योंकि तक अलॉट किया नहीं है. यू कैन नॉट यूज द मनी, कंपनी कैन नॉट यूज योर मनी. बेटा तुम्हारे पैसे है वो, मैंने जब तक तुमको शेयर अलॉट नहीं किया तब तक वो पैसा मैं यूज नहीं कर सकती. तुम लोग को जब तुम छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, लॉलीपॉप खाते थे, तभी तुम लोग को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिखाया था किसी ने? अरे अभी सिखाया था, सीएस फाउंडेशन. अभी बड़े बच्चे हो गए बेटा, तभी छोटे थे, तभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रोविजन था, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट था कि नहीं? मैंने जब तक तुमको अलॉट नहीं किया, कंसिडरेशन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आई कैन नॉट यूज योर मनी, दिस इज योर मनी ओनली. So I cannot deposit that money in company's account. Mix नहीं कर सकती मैं. I need to open a separate account. That is called, पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, escrow account. नहीं सुना है? ठीक है, नहीं 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 सुना है, ठीक है, नहीं सुना है, इट्स ओके. बोलो मेरे साथ, escrow account. अरे एक्टिंग करने का भूलोगे नहीं यार कभी भी, ठीक है? और उसमें से टेंशन नहीं लेने का, एक्टिंग करने का. देखो सुनो, भी मेरे लेक्चर में मैं ड्राइंग सिखाऊंगी, एक्टिंग भी सिखाऊंगी, सभी सीख लेंगे ऐसे, ठीक है? बट ड्राइंग एंड एक्टिंग इज इम्पोर्टेंट. चलो बोलो कौन सा अकाउंट? एस्क्रो अकाउंट, वेरी गुड. ठीक है, अच्छा अभी स्पेलिंग बोलो. एस हुआ क्रो, हाँ, एस कौआ अकाउंट. अच्छा सुनो अभी ध्यान से गाइस, आई विल जस्ट राइट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, डोंट राइट इन योर आंसर, उनको समझ जाएगा. तुमने एस्क्रो लिख दिया ना, तुम्हारी भावना पहुंच गई उधर, ठीक है? तुमको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिखती हूँ व्हाट इज एस्क्रो अकाउंट, जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन. Escrow account is a special account. It's a special account opened for a specific purpose. मतलब एक separate account होता है. Special account बोलो, separate account बोलो, चलेगा. Separate बोलते हैं हम लोग. Separate account opened for a specific purpose. और once the purpose is over, the account is closed. वो account बंद हो जाएगा. जैसे ये आईपीओ के लिए ओपन किया था, मेरा पर्पस खत्म, मतलब शेयर्स अलॉट हो गया. चलो मान लो तुम सबको शेयर्स अलॉट हो गया,
तो ऑब्वियसली तुम्हारा सबका पैसा किधर जाएगा? एस्क्रो अकाउंट से ट्रांसफर किधर होगा? कंपनीज अकाउंट. सो एस्क्रो अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कंपनीज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, पैसा कम हो गया. और तुम सबको अलॉट नहीं हुआ तो रिफंड एस्क्रो अकाउंट को डेबिट करेंगे, तुम सबके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. रिफंड हो गया, पैसा जीरो हो गया, अकाउंट इज क्लोज्ड. सो एस्क्रो अकाउंट इज अ सेपरेट अकाउंट ओपन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस. वंस द पर्पस इज ओवर, अकाउंट इज क्लोज्ड. ये लिखने का नहीं है एग्जाम में. डाउट क्वेश्चन पूरा समझा. अच्छा अभी रिफंड कौन करेगा? क्यों इसके पास जाके फिर रिफंड होगा यार? इसके पास पड़ा है ना पैसे एस्क्रो अकाउंट में. सो डायरेक्टली इधर से ही रिफंड हो जाएगा. सो इन शॉर्ट पैसे रिलेटेड काम होगा ना वो कौन कर लेगा? बैंक्स, क्योंकि वो ज्यादा एफिशिएंट है. रादर देन कंपनी के पास जाए फिर कंपनी करे, इससे अच्छा बैंकर्स जो है इश्यू करे. अगर मान लो सपोज रिफंड करने में थोड़ा डीले हो गया और इंटरेस्ट पे करना पड़ा तो भी कौन पे करेगा? बैंक्स. अगर मान लो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो भी कौन करेगा? बैंक्स. कॉल मनी लेना है तो भी कौन करेगा? बैंक्स. यही सब काम कौन करेगा? बैंकर्स टू एन इश्यू. सो मनी रिलेटेड जो भी वर्क होना बेटा वो कौन करेगा? बैंकर्स टू एन इश्यू. द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड एप्लीकेशन मनी, सेकेंड इवन रिसीविंग द कॉल मनीज. कॉल मनीज हो गए वो भी वही रिसीव करेगा, या तो इंटरेस्ट होगा या तो डिविडेंड होगा, वो भी कौन देगा? बैंक्स. एंड इवन अगर कभी रिफंड करना है तो रिफंड भी कौन करेगा? बैंक्स. ये सब किसका काम है बेटा? बैंक्स इशू का. डन. अच्छा अभी ये बैंकर्स टू एन इशू एक होंगे कि बहुत सारे होंगे? हर एक बैंकर के साथ सेम कॉन्ट्रैक्ट होगा कि डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा? अरे मैं तीन बैंक अलग अलग है बेटा, तीन और बैंक के साथ सेम कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकती हूँ? देयर विल बी अ डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट. सबका रेम्यूनेशन मुफ्त में काम करोगे कि पैसा लोगे? पैसा लोगे, मतलब रेम्यूनेशन भी होंगे. समझ रहा है? वो सब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा. डन. एनी डाउट इन बैंक ऑल थ्री? नहीं. हाँ बोल बेटा. हाँ वो एस्क्रो अकाउंट में जाएगा, फिर वो बैंकर्स टू एन इश्यू को बोलेगा कि एस्क्रो अकाउंट में डिपॉजिट करे. एस्क्रो अकाउंट में ही जाता है करो, ऑब्वियसली रहेंगे. प्रोस्पेक्टस में सबके नेम रहेंगे, नॉट ओनली बैंकर्स टू एन इश्यू, इवन रजिस्ट्रार टू एन इश्यू, इवन मर्चेंट बैंकर्स, इवन हु इज लीड मर्चेंट बैंकर, इवन अंडर राइटर्स, सबके नाम रहते हैं किधर? प्रोस्पेक्टस में. सो प्रोस्पेक्टस का एक कॉलम होता है बेटा जहां पे इंटरमीडियरीज के नाम लिखे होते हैं. वेरी गुड. बोलो. हाँ बोल मोक्षा. हाँ फिर वो तो कॉल मनी देख, मैंने ऑलरेडी शेयर्स अलॉट कर लिया है तो कॉल मनी आ गया, तो डायरेक्टली एस्क्रो अकाउंट में क्यों जाएगा? डायरेक्टली कंपनी के अकाउंट. सो ओनली थिंग एप्लीकेशन मनी विल गो इन एस्क्रो अकाउंट एंड ऑल रिमेनिंग अदर मनी, कॉल मनीज होंगे, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, विल डायरेक्टली बी डिपॉजिटेड इन कंपनी बिकॉज आई हैव ऑलरेडी अलॉटेड यू द शेयर्स. समझा? समझा? डाउट? डाउट? डाउट है? डाउट? हाँ बोल बेटा. एनी बैंक्स? नो नो, एनी बैंक्स. एनी बैंक्स बट इट शुड बी शेड्यूल कमर्शियल बैंक. आई होप एवरीबडी शेड्यूल कमर्शियल बैंक. नहीं पता है? अच्छा शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स आर दोस कमर्शियल बैंक्स हुज नेम अपीयर्स इन द शेड्यूल ऑफ आरबीआई. सो आरबीआई के शेड्यूल में बहुत सारे बैंक्स के नाम है, जैसे सरस्वत बैंक सुना, सरस्वत बैंक का नाम है, आईसीआईसीआई सुना, एचडीएफसी, एसबीआई, सेंट्रल बैंक, एक्सिस बैंक, सबका नाम है. और तुम लोग कभी कभी देखोगे बैंक में जाओगे ना नीचे लिखा होगा शेड्यूल बैंक, तो वो आरबीआई ने उसको शेड्यूल में इंक्लूड किया. और आरबीआई तेरे को ऐसे ही शेड्यूल में इंक्लूड नहीं करेगा, तूने अगर कभी डिफॉल्ट नहीं किया है, तूने अगर कभी रिटर्न्स बराबर टाइम पे भरे हैं, तूने कभी कुछ भी डिफॉल्ट नहीं किया,
तूने SLR CRR रेशियोज बराबर मेंटेन किए, मतलब तू अच्छी बैंक है कि बुरी बैंक है? अच्छी बैंक है तो ही तेरा नाम किधर आएगा? शेड्यूल में. सो इट इज अ प्राउड फीलिंग टू राइट अ शेड्यूल बैंक, यस और नो? यस. इन शॉर्ट, जहां तुमको शेड्यूल बैंक दिखा मतलब उसने कोई डिफॉल्ट नहीं किया होगा तो ही उसका नाम किधर होगा बेटा? शेड्यूल, आरबीआई के शेड्यूल. सो वेर एवर यू राइट कमर्शियल बैंक इन सेबी, इट्स अज्यूम इट शुड बी अ शेड्यूल कमर्शियल बैंक. समझ रहा है? कोई अल्टू फालतू बैंक नहीं हो सकते. बोलो, बोलो. वेरी गुड. नहीं समझा? एकदम समझ गया. वेरी गुड. एक बार पढ़ ले, देख ले कहां कहां क्या दिया है फिर. हाँ बोल. सॉरी, लीड मर्चेंट. अच्छा, ये लीड मैनेजर, ये लीड मैनेजर. लीड मैनेजर बोल, लीड मर्चेंट बैंकर बोल, वन एंड द सेम. अच्छा सुनो गाइस, एक मिनट फटाफट शीट पे आ जाओ. इंट्रोडक्शन बाद में पढ़ लेना, बट यस इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है. उसमें फर्स्ट लाइन मार्क करो क्या लिखा है. कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज आर वाइटल लिंक बिटवीन इन्वेस्टर, इश्यूअर्स एंड रेगुलेटर्स. कमेंट, ऐसा क्वेश्चन आएगा. कमेंट मतलब इन शॉर्ट तेरे को क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन बस, और कुछ नहीं लिखना है. मार्क करो इंपॉर्टेंट, 4 मार्क्स. ठीक है, रोल ऑफ कैपिटल. अच्छा मुझे बताओ, अभी मर्चेंट बैंकर प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट, इंटरमीडियरी ऑफ प्राइमरी मार्केट की सेकेंडरी मार्केट? प्राइमरी मार्केट, क्योंकि वो इश्यू में काम करता है यार. रजिस्टर टू एन इश्यू, प्राइमरी मार्केट. बैंकर्स टू एन इश्यू, प्राइमरी मार्केट. अभी तुमको एक ही नाम पता था, देखो पहले प्राइमरी मार्केट का अंडरराइटर. अभी कितने मिल गए? 4. कौन से 4? रजिस्टर टू एन इश्यू. अभी समझा? चलो अभी देखो मर्चेंट बैंकर क्या लिखा है. अंडरलाइन करो फर्स्ट लाइन में इश्यू मैनेजमेंट, मींस अ पर्सन हु इज इन द बिजनेस ऑफ इश्यू मैनेजमेंट बाय मेकिंग अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग सेलिंग बाइंग और सब्सक्राइबिंग द सिक्योरिटीज और एक्टिंग एज अ मैनेजर कंसल्टेंट या तो एडवाइजर्स, या तो एडवाइस देगा किसके रिलेटेड? कोऑपरेटिव एडवाइस रिलेटिंग टू इश्यू मैनेजमेंट. और फिर वो क्या क्या काम करता है नीचे लिखा हुआ है. अभी देखो उसमें ना सेकंड पॉइंट प्राइवेट प्लेसमेंट किसी ने बोला था इधर, दे हेल्प आल्सो इन प्राइवेट प्लेसमेंट. समझा ना अभी? अच्छा उसके बाद नेक्स्ट अंडरराइटिंग कनेक्टेड विद द अफोरसेड पब्लिक इश्यू. देख ये डिफिकल्ट लगता है लाइन. अफोरसेड का मतलब अबव मेंशन, तो अफोरसेड वर्ड याद नहीं रहता है तो ठीक है, दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट वर्ड. यू कैन राइट वेरी सिंपल लैंग्वेज दैट एज एन अंडरराइटर. मेरे को अंडरराइटर वर्ड चाहिए, फिर तुम कैसे लिखो वो तुम्हारा इश्यू, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. आई नेवर से बॉस यूज दिस लैंग्वेज, आई ऑलवेज से आई वॉन्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन योर आंसर. इसका लाइन का मीनिंग क्या हुआ? अंडरराइटिंग कनेक्टेड मतलब दे आर डूइंग द बिजनेस ऑफ अंडरराइटिंग कनेक्टेड विद द पब्लिक इश्यू. ऑफकोर्स नहीं भी लिखा तो भी फर्क नहीं पड़ता. कनेक्टेड विद द पब्लिक इश्यू बिजनेस मतलब दे आर एक्टिंग एज एन अंडरराइटर. तो मैंने ऐसा लिखा दे कैन एक्ट एज एन अंडरराइटर, क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं. सो यू कैन राइट दिस, अंडरस्टूड? डोंट राइट सेम लैंग्वेज यार, इट्स ओके. इंपॉर्टेंट वर्ड्स मार्क करने का. नेक्स्ट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज रिलेटिंग टू व्हाट? टेक ओवर्स. आई होप टेक ओवर्स पता है, एक्विजिशन पता है, डिसइन्वेस्टमेंट पता है, इन्वेस्टमेंट पता है. मैंने इन्वेस्ट किया मतलब परचेस किया, मैंने डिसइन्वेस्ट किया मतलब मैंने मेरा पैसा वापस लिया, तो क्या हुआ? मैंने सेल किया, बराबर. So, यहाँ पे अगर मैंने किधर इन्वेस्ट किया तो उसको क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट. मैंने वो इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? डिसइन्वेस्टमेंट. वर्ड समझ रहा है बेटा? चलो नेक्स्ट स्टॉक ब्रोकिंग मतलब ही कैन एक्ट एज अ. अच्छा यहाँ पे स्टॉक ब्रोकिंग लिखा है, मैंने ऐसा बोला ही कैन एक्ट एज अ ब्रोकर, क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं. नेक्स्ट एडवाइजरी सर्विसेज रिलेटेड टू प्रोजेक्ट एंड सिंडिकेशन ऑफ रूपी टर्म लोन, ये समझा. उसके नीचे देखिए एक रेगुलेशन लिखा है, अभी सुन, हाँ ध्यान से सुन. इन शॉर्ट मर्चेंट बैंकर पे सेबी के ये रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगे. कैसे कैसे पढ़ोगे? सेबी रेगुलेशन कौन सा एप्लीकेबल होगा, मतलब दिस रेगुलेशन इज एप्लीकेबल. ये तो सिर्फ रेगुलेशन का, सेबी ब्रैकेट में
मर्चेंट बैंकर अगर रजिस्ट्रार टू एन इश्यू होगा तो रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट होता है. अंडरराइटर होगा तो अंडरराइटर्स. ब्रोकर्स होगा तो ब्रोकर्स. सो ये वर्ड ही चेंज होगा. प्लस रेगुलेशन का ईयर कभी कभी चेंज हो जाएगा. ये कभी आया था 1992 में. अंडरराइटर का कभी और आया होगा. समझ रहा है. सो यहाँ पे ये याद रखना है तो रखो. बट इट्स डिफिकल्ट टू रिमेम्बर बट इट्स नॉट सो डिफिकल्ट टू रिमेम्बर. क्यों कभी क्या हो जाएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आया राइट अ या तो डिस्टिंक्शन बिटवीन मर्चेंट बैंकर एंड रजिस्टर टू एन इश्यू. एज सच तो डिस्टिंक्शन नहीं है यार. सो यू जस्ट हैव टू राइट व्हाट वर्क इज डन बाय मर्चेंट बैंकर एंड व्हाट वर्क इज डन बाय रजिस्टर टू एन इश्यू. बट एक और डिस्टिंक्शन मिल सकता है ना इसके ऊपर. सेबी मर्चेंट बैंकर रेगुलेशन 1994 एप्लीकेबल होगा और इसके ऊपर कोई अलग रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे वो हो सकता है. प्लस नेटवर्थ दिया है पीछे. नेटवर्थ दिया देख पीछे मतलब नेटवर्थ का मतलब पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स. नेटवर्थ का मतलब ही होता है पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स. कितना दिया है नॉट लेस देन 5 करोड़. मतलब मिनिमम नेटवर्थ कितना होना चाहिए बेटा 5 करोड़. ठीक है. सो ये सब याद रहता है तो रखो वरना इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट. ओनली इफ डिस्टिंक्शन काम तो लिखना है अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है. समझा बेटा. बोलो डाउट है. डन विथ मर्चेंट बैंकर. अभी नेक्स्ट हेडिंग देखो क्या पड़ा है. रजिस्टर एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट ऐसा लिखा है. लिखा है हमने तो एक ही किया रजिस्टर टू एन इश्यू किया. सुनो अभी ध्यान से यहाँ पे हम बोर्ड पे देखो एक मिनट ध्यान से देखो. हम लोग ऐसे बोलते हैं रजिस्टर एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट. हम आरटीए शॉर्ट फॉर्म क्या यूज करते हैं आरटीए. आरटीए का फुल फॉर्म क्या होगा रजिस्टर एंड शेयर. शेयर का एस नहीं लिखते. शेयर ट्रांसफर एजेंट. इट हैज टू कैटेगरीज. मतलब जो पर्सन आरटीए होता है ना वो दोनों काम कर सकता है. कौन से दोनों काम कर सकता है. वो रजिस्टर टू एन इश्यू का भी काम कर सकता है और दूसरा वो शेयर ट्रांसफर एजेंट का भी काम कर सकता है. ठीक है. सो वो दोनों काम कर सकता है. अगर ऐसा है ऐसा इतना डिटेल में याद नहीं रहता तो चलेगा. बट सिर्फ इतना याद रखो दो कैटेगरीज होती है. कैटेगरी वन होती है एंड कैटेगरी टू होती है. अगर मैं कैटेगरी वन में रजिस्टर हूं आई कैन डू बोथ द वर्क. मतलब आई कैन डू रजिस्टर टू एन इश्यू का भी काम एंड आई कैन डू शेयर ट्रांसफर एजेंट का भी काम. मतलब एक ही कैटेगरी में रजिस्टर किया दोनों काम कर सकती हूँ. बट अगर मैं कैटेगरी टू में रजिस्टर हूं आई कैन डू ओनली द वर्क ऑफ आरटीए रजिस्टर टू एन इश्यू. ये काम नहीं कर सकती. समझ रहा ऐसा. बट इतना डिटेल में याद मत रखो. ठीक है. इतना याद रखो आरटीए इंक्लूड्स टू इंटरमीडियरीज इन इटसेल्फ. व्हिच टू टाइप्स ऑफ इंटरमीडियरीज. वन इज रजिस्टर टू एन इश्यू एंड अदर इज शेयर ट्रांसफर एजेंट. बस उतना याद रखा मोर देन इनफ. फिर शेयर ट्रांसफर एजेंट बाकी है. हाँ मैंने क्यों नहीं किया कराया क्योंकि वो सेकेंडरी मार्केट में आ जाएगा तभी. समझ रहा है. चलो देखो फर्स्ट क्या करता है रजिस्टर टू एन इश्यू. देखो क्या करता है. फर्स्ट क्या लिखा है कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर इन्वेस्टर्स. सेकेंड कीपिंग प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन मनी. थर्ड असिस्टिंग. असिस्टिंग मतलब हेल्पिंग. बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज और अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन इन डिटरमाइनिंग क्या द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट एज पर विच गाइडलाइंस बेटा सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस. उसके बेसिस ऑफ अलॉटमेंट समझा ना बेटा. ऑन व्हाट बेसिस यू शुड अलॉट द शेयर्स. नेक्स्ट फाइनलाइजिंग द लिस्ट ऑफ द पर्सन एंटाइटल टू अलॉटमेंट. मतलब फाइनलाइजिंग द लिस्ट ऑफ अलॉटीज. ये इजी है. ये लैंग्वेज नहीं याद रहा तो क्या लिखेगा फाइनलाइजिंग लिस्ट ऑफ अलॉटीज. बेटर है ये लैंग्वेज. चलो नेक्स्ट लास्ट प्रोसेसिंग एंड डिस्पैचिंग अलॉटमेंट लेटर एंड रिफंड
orders. ये समझा, सर्टिफिकेट वर्टिफिकेट नहीं लिखा चलेगा. डाउट क्वेश्चन यही लिखा है बोर्ड पे, थोड़ा इजियर लैंग्वेज में, ठीक है. यू कैन राइट दिस लैंग्वेज, इट्स ओके. डाउट पक्का. अच्छा नेक्स्ट, शेयर ट्रांसफर एजेंट का ये सब काम है. माय मिस्टेक रजिस्टर्ड टू एन इश्यू का ये सब काम है. क्या लिखा है? प्री इश्यू एक्टिविटीज, एक्टिविटीज ड्यूरिंग द इश्यू एंड पोस्ट इश्यू एक्टिविटीज. क्या मतलब हुआ इसका? इश्यू के पहले, देन इश्यू ड्यूरिंग द इश्यू एंड इश्यू के बाद. तो इन शॉर्ट ये डिटेल में लिखा है. सो अगर 3 मार्क का आया तो सिर्फ ऊपर का लिख देना, बट अगर 5 मार्क का आया तो यार पूरा लिखना पड़ेगा. लिखना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं, तीनों लिखना पड़ेगा. प्री इश्यू, पोस्ट इश्यू एंड ड्यूरिंग द इश्यू. और ऊपर का तो लिखने का ही, ऊपर का वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. नीचे का देखो मार्क्स कितना है, टाइम कितना बचा है, बट ये लिखो यार. टू बी ऑन अ सेफर साइड ये लिख दो. क्या होगा ना यार, 3 मार्क का भी आया और टाइम बचा है ना तुम्हारे पास, लिख दो. उसको पता तो चलेगा मेरे को सब आता है भाई, समझ रहा है. इतना डिफिकल्ट नहीं है, एक एक लाइन भी लिखाना. देखो इधर सिर्फ 5 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स है ऊपर के, इधर 3 पॉइंट्स है. और पोस्ट इश्यू में 5 पॉइंट्स लिख दो ज्यादा से ज्यादा, पूरा पूरा मत लिखो, बट एटलीस्ट 5 पॉइंट्स तो लिख के आ जाओ, ठीक है. ये तुमको अभी पढ़ना है कि घर पे जाके पढ़ना है? अभी पढ़ोगे फिर डाउट्स है तो क्लियर करोगे, बट उसके पहले हम लोग ये पढ़ ले एक बार. कौन सा? देखो क्वेश्चन कैसे आता है तुमको, है ना, क्वेश्चंस इधर ही मिलेंगे मेरे नोट्स में, ठीक है. जो जो क्वेश्चंस पास्ट एग्जाम्स में आए थे, बट कोई कोई चैप्टर्स नए हैं तुम्हारे इसमें, जैसे बायबैक तुमको पास्ट में था नहीं, तो नहीं मिलेगा मेरे को क्वेश्चंस, समझ रहा है. तो जिधर जिधर मेरे को पास्ट एग्जाम्स में रेलेवेंट क्वेश्चंस मिलते हैं आई विल पुट इन द नोट्स. सो तुम पढ़ते टाइम तुम लोग को ईजी हो जाएगा. और एक एक मेथड बताती हूँ, अगर सीरियसली पास होना है, एक मेथड बोलती हूँ सीरियसली, अगर मन है ना कि नहीं मेरे को पास होना ही है मैम और मुझे 60 मार्क्स लाना ही है सेबी में, क्या करो, जितना क्वेश्चंस मैंने दिए इसमें लिख दो, उतने लिख दो, एक सेपरेट बना के रखो, उतने लिख दो. इन शॉर्ट यू नो व्हाट यू आर डूइंग एट द एंड ऑफ द सेबी, यू आर राइट सॉल्विंग द होल पेपर्स, समझ रहे. 2-3 साल के पेपर सॉल्व हो गए तुम्हारे. तो अगर ऐसा करना है, तुम्हारी खुद की इच्छा है, बिकॉज आई विल नॉट कम एंड चेक, करना है करो, नहीं करना है तो मत करो, इट्स योर कॉल. यू आर मेच्योर्ड इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, व्हाट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू. मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है. चलो देखो कैसे लिखा है क्वेश्चन, एक बार पढ़ो यार. 13 कितने मार्क्स आया था? देखो मैंने मार्क्स भी लिख दिया है, 5 मार्क्स का. कभी आया था? दिसंबर 13 में भी आया था, दिसंबर 15 में भी आया था. दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार लिखो एग्जाम बुक में. चलो स्टार्ट. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रजिस्टर टू एन इश्यू? स्टेट द वेरियस एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय रजिस्टर टू एन इश्यू. अभी तो पूरा लिखना पड़ेगा, प्री पोस्ट एंड ड्यूरिंग सब लिखना पड़ेगा, और ऊपर रजिस्टर टू एन इश्यू क्या करता है, इंट्रोडक्शन भी लिखना पड़ेगा. अभी समझा? चलो नेक्स्ट आगे. बैंकर्स टू एन इश्यू पीछे दिया होगा बेटा. अच्छा कौन से रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे? देखो सेबी ब्रैकेट में क्या लिखा है, रजिस्टर टू एन इश्यू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट ब्रैकेट क्लोज रेगुलेशन 1993. समझ रहा है? कैपिटल एडिक्वेसी अगर कैटेगरी 1 है तो कितना, 50 लाख. दोनों काम करेगा ना वो, तो ज्यादा ही होगा ना, 50 लाख. और कैटेगरी 2 आधा काम कर रहा है ना, तो उसका आधा, दैट इज 25 लाख. अभी समझा? नेक्स्ट, अंडरराइटर्स कराया नहीं ना मैंने. बैंकर्स टू एन इश्यू क्या करता है? देखो फर्स्ट पॉइंट, एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन मनी. सेकेंड, एक्सेप्टेंस ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी. थर्ड, रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट. वॉरंट्स याद नहीं रहता तो चलेगा, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स. वॉरंट्स आर बेरर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, वॉरंट्स याद नहीं रहता चलेगा. समझा? अच्छा, द बैंकर्स टू एन इश्यू एज अ नेम सजेस्ट कैरी आउट ऑल द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द फंड्स आर कलेक्टेड एंड ट्रांसफर टू विच अकाउंट. बेटा एस्क्रो अकाउंट, अंडरलाइन करो एस्क्रो अकाउंट. सिंपल लैंग्वेज में अगर लिखू तो फंड्स आर बीइंग ट्रांसफर टू एस्क्रो अकाउंट.
तो ये ऐसा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ एस्क्रो अकाउंट आना चाहिए. द बैंक्स आर एक्सपेक्टेड टू फर्निश प्रॉम्प्ट इन्फॉर्मेशन, प्रॉम्प्ट मतलब इमीडिएट इन्फॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड्स टू द कंपनी एंड लीड मैनेजर फॉर मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ इश्यू वर्क. और कंपनी हैव टू एंटर इनटू एन डिफरेंट अग्रीमेंट्स विद डिफरेंट बैंक स्पेसिफाइंग टर्म्स एंड कंडीशन अलोंग विद द रेमुनेशन. डाउट है, लैंग्वेज डिफिकल्ट लग रहा है बेटा, इजी है ना, इतना टेक्निकल है क्या? नहीं ना, तो फिर अच्छा कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा? देखो कौन सा रेगुलेशन, सेबी बैंकर्स टू एन इश्यू रेगुलेशन 1994. नेटवर्थ नहीं दिया है क्योंकि बैंक से यार आरबीआई गवर्न करेगा, समझा? डन क्वेश्चन, पूरा समझा? इजी था. चल अभी 2 मिनट वो पढ़ लो, फिर 5 मिनट शांति, फिर एक पोर्टफोलियो मैनेजर करके टाटा बाय बाय, आज के लिए खत्म. ठीक है, पहले क्या करोगे? रजिस्टर टू एन इश्यू पढ़ोगे. जो डाउट है मेरे को पूछ लो बेटा, कोई भी डाउट है, नो डाउट. सॉरी सॉरी, ये लिखना है. अच्छा हाँ, लिखो लिखो, चलेगा, लिखो 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 लिखो, ये वाला लिखना पड़ेगा ना, ये नहीं, बट ये तो ऑलरेडी है आई फील. हाँ तो ये वाला लिखो. हाँ ये तो पूरा ही है, मैंने सिर्फ ऐसे ही लिखा है, बट अगर तुमको लिखना है तो लिखो, मुझे कोई इश्यू नहीं है. वट एवर इट्स योर कॉल गाइस. हाँ You have doubt box? Huh? Sorry? Sorry? He can do as an. Itna likh le beta. इतना नहीं है ना, इतना नोट्स में नहीं है ना. कैटेगरी वन अगर तू है, कैटेगरी वन में रजिस्टर्ड है, इट मींस यू कैन डू बोथ द वर्क, दोनों काम कर सकता है मैं. कौन से दोनों काम? और शेयर ट्रांसफर एजेंट.
एक लास्ट टू ही कॉन्सेप्ट एकदम इजी, बहुत इजी वाला। चलो शेयर ट्रांसफर एजेंट, मैंने क्या बोला हमेशा कैसे पता करोगे श्रेया, स्टॉप इट नाउ। शेयर ट्रांसफर एजेंट हमेशा कैसे पता करोगे, नाम से। शेयर ट्रांसफर द इंटरमीडियरी हु हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ शेयर इज नोन एज शेयर ट्रांसफर एजेंट। हो गया, एक पॉइंट हो गया, ठीक है। द इंटरमीडियरी विच हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ऑल्सो इट हेल्प्स टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करके रखेगा ना। सो रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा, ठीक है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा, प्लस वो क्या करेगा, सब किसका रिकॉर्ड, शेयर होल्डर लिखो, सिक्योरिटी होल्डर्स, सिक्योरिटी होल्डर्स नाम होगा, सबका नाम होगा, रितिक, रोहन, करण, पायल, मोक्षा, सबका नाम होगा। देखो मेरे को कितने सारे नाम याद रह गए, नीरव, ठीक है, 2 बजे वाला, ठीक है, वो सबका नाम होगा, रिकॉर्ड मेंटेन करेगा एंड दे विल हेल्प टू ट्रांसफर द शेयर्स फ्रॉम वन इन्वेस्टर टू अनदर। दे ऑल्सो हेल्प इन रिडम्पशन, मतलब जब रिडम्पशन होता है ना प्रेफरेंस शेयर्स का, तभी रिडम्पशन के टाइम पे भी वो लोग हेल्प करते हैं। ये दोनों एक पॉइंट समझा, सो दे हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड दे ऑल्सो हेल्प इन रिडम्पशन, ऑल दे मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सिक्योरिटी होल्डर्स ऑन द बिहाफ ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, डन। अच्छा नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, अगर मान लो मेरी कंपनी में 1 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी होल्डर्स है, नंबर्स में काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, वैसे कितने हैं, 1 लाख से ज्यादा, क्योंकि एग्जीट वर्ड लिखा है, ठीक है, 1 लाख से ज्यादा, आई कैन नॉट अपॉइंट अ सेपरेट शेयर ट्रांसफर एजेंट, इंडिपेंडेंट शेयर ट्रांसफर एजेंट को मैं अपॉइंट नहीं कर सकती, मुझे मेरी कंपनी में, ये मेरा कंपनी है, मेरे कंपनी में मुझे एक डिपार्टमेंट खोलना पड़ेगा और वो डिपार्टमेंट का नाम कुछ भी रखो, शेयर ट्रांसफर एजेंट डिपार्टमेंट रखो, शेयर ट्रांसफर डिपार्टमेंट रखो, एजेंट डिपार्टमेंट रखो, जो रखना है रखो, बट ये काम करेगा, किसका काम करेगा, शेयर ट्रांसफर का। सो सेकंड पॉइंट ऐसे लिखने का, इफ इन अ कंपनी यू हैव हाउ मच, मोर देन का जगह पे एक्सीडिंग मोर 1 लाख सिक्योरिटी होल्डर्स, देन यू शुड हैव अ डिपार्टमेंट, सेपरेट डिपार्टमेंट इन योर कंपनी डूइंग द एक्टिविटी ऑफ शेयर ट्रांसफर बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, कुछ भी नाम रखो, डन। ऐसा चिरकुट क्वेश्चन नहीं आता है, बट फिर भी अगर आया ना, इनका कोई भरोसा नहीं है, अगर आया तो कितने मार्क आएगा, 4 मार्क्स, अभी तक आया नहीं है, समझा, 2.4 मार्क्स मिला यार, अगर ये आया ना, अज्यूम करो तुमने बहुत अच्छे कर्मास किए होंगे, भगवान तुम्हारे पे प्रसन्न हो गया है और एग्जामिनर बोल रहा है जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी और 4 मार्क्स ले ले। अरे क्योंकि दो ही तो पॉइंट लिखने हैं यार, वही 2 पॉइंट लिखे, डन। एंड लास्ट पोर्टफोलियो मैनेजर, आ जाओ पोर्टफोलियो मैनेजर पे, नंबर बेटा बोल। अच्छा तो यहाँ पे किसी को कोई एक्टर बनने की इच्छा है, किसको, देखो नाम बोल बेटा, नहीं नहीं उसका बेटा ऐसा पार्शलिटी, सेकंड लास्ट बेंच को भी लेने का ना, हाँ बोल बेटा, सफी, ऐसा डिफिकल्ट नाम क्यों रखते हो बेटा, जो याद नहीं रहता है मम्मी ने रखा था, ठीक है। सफी को सपोज मान लो एक्टर बनने की इच्छा हो गई, ठीक है, सो वो करण जौहर के पास गया, करण जौहर, ठीक है, सफी करण जौहर के पास गया ऐसा सवेरे, सर प्लीज एक्टर बनना है यार, कुछ तो ऐसा करके दो यार, ऐसा कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, ऐसे कोई मूवी बना मेरे लिए। तो फिर करण जौहर ने बोला ओके रात को आ जाना पोर्टफोलियो लेके, व्हाट डू यू मीन बाय पोर्टफोलियो लेके आ जाना, क्या समझेगा वो, फोटोज, करेक्ट, फोटोज मतलब पूरा एक एल्बम होगा बेटा, अच्छा एल्बम में ऐसा एक ही फोटो होगा,
कि बहुत सारे फोटोज होंगे, बहुत सारे. ओके, एक मिला मेरे को, बहुत सारे फोटोज होंगे. सेकंड, एक ही पोज में होगा? नहीं, डिफरेंट डिफरेंट पोजेस होंगे यार. मतलब एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, ऐसा सब होगा कि नहीं? हाँ, वैसा होगा. चलो, डिफरेंट पोजेस और एक ही शर्ट एंड ट्राउजर्स में होगा कि डिफरेंट डिफरेंट शर्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट ट्राउजर्स, डिफरेंट डिफरेंट ओनली ओनली ट्राउजर्स हो सकते हैं ना? हाँ, है ना? वैसे वैसे हो, ऐसे फोटोज लेके गए. दैट इज नथिंग बट पोर्टफोलियो. ये तो पता था ना? तो इधर थोड़ी क्या, इधर इधर तो क्या फर्क है यार? वही तो है. सिर्फ फोटोज की जगह पे कौन सा वर्ड? पोर्टफोलियो इज नॉट. ये क्या दिखा? करेक्ट. ये क्या है? बास्केट. बास्केट के अंदर क्या है? करेक्ट. एक ही टाइप ऑफ सिक्योरिटी की डिफरेंट डिफरेंट कलर देखो, अलग अलग है. देखा, 3D इफेक्ट बोलते हैं इसको. अच्छा, सो दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज. ऑल दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज विच विद व्हेन इट इज पुट इन बास्केट इज कंसिडर्ड एज पोर्टफोलियो. सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज पोर्टफोलियो, आंख बंद करके बोल देने का, इट इज अ बास्केट ऑफ सिक्योरिटी एंड द पर्सन हु मैनेज The person who manage the portfolio is known as portfolio manager. मुझे बताओ, नाम से पता किया कि नहीं? सिंपल. ये कौन है पता है? अपनी एकता. देखो चश्मा वाली, ये बट चश्मा अलग है, बट इट्स ओके. ओके, अभी यहाँ पे एकता क्या कर रही है? खुद मैनेज कर रही है. जो तेरे क्लाइंट होंगे ना गए. अच्छा, अभी बताओ एकता, ये नहीं समझा बेटा? टीवी है यार. नहीं बेटा, वो ऐसे बैठी है ना, तो ऐसा टीवी. ठीक है, ऐसा 3D इफेक्ट्स. यू कांट अंडरस्टैंड 3D इफेक्ट्स, कब समझाना पड़ता है यार तुमको? ठीक है, कौन सा चैनल चालू है? कभी सास कभी बहू थी, CNBC. चलो, अभी ऑब्वियसली शी स्टडिंग द मार्केट. शी स्टडीज द मार्केट इन सच अ वे दैट शी विल एडजस्ट द पोर्टफोलियो. हमेशा ऐसा नहीं रहेगा यार बॉस. एक अगर सपोज मान लो ये बहुत डाउन जा रहा है मार्केट में, तो ये डिलीट हो जाएगा, मतलब ये बेच देगी और उसकी जगह पे नया सिक्योरिटी लेगी. समझ रहा है? सो व्हाट शी इज डूइंग, शी इज स्टडिंग द मार्केट कंडीशन एंड बाय स्टडिंग मार्केट कंडीशन शी विल एडजस्ट द पोर्टफोलियो इन सच अ वे दैट इन्वेस्टर विल गेट हायर रिटर्न विद अ लो रिस्क. सो यहाँ पे इसका काम ही वही है यार. हाउ शी विल मैनेज? बाय स्टडिंग मार्केट, मार्केट कंडीशन एंड शी विल एडजस्ट. एडजस्ट करेगी क्या? एडजस्ट करेगी बेटा पोर्टफोलियो, एडजस्ट करेगी इन सच अ वे दैट इन्वेस्टर्स विल गेट व्हाट बेटा? हायर रिटर्न्स विथ लो रिस्क. एक भी डाउट है बेटा? नहीं, ये समझा. चलो मान लो तेरे पास, फटाफट एक नाम बोल अपने क्लास में से, किसी का भी नाम बोल, तेरी मर्जी. श्रेया. ओके, श्रेया और मैं, ठीक है, दो जन. अभी हम दोनों इसके क्लाइंट होंगे. हम दोनों का ही सत्यानाश होगा, बट इट्स ओके. हम दोनों इसके क्लाइंट है. किसके क्लाइंट है? एकता. अभी यहाँ पे मैं गई पहले एकता के पास. एज देखो मेरा 18 इयर्स. तुम लोग हंसते क्यों, वो समझ में नहीं आया अभी भी मेरे को. ठीक है, ठीक है, 18 इयर्स. अभी ऑब्वियसली अ यंग ब्लड विल टेंड टू टेक मोर रिस्क. यस और नो? यस. सो ऑब्वियसली मैं उसको क्या बोलूंगी? आई एम रेडी टू टेक रिस्क. सो मेरा जो भी फंड्स होगा वो मैक्सिमम कहां इन्वेस्ट करेगी? सोच के आंसर दो बेटा. नहीं नहीं, इक्विटी शेयर्स में कि डिबेंचर्स में? क्योंकि इक्विटी शेयर्स में थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डेट मार्केट. हाँ, है ना?
सो यहाँ पे मैक्सिमम 90% वो किधर इन्वेस्ट करेगी, इक्विटी शेयर्स, एंड 10% कहाँ इन्वेस्ट करेगी, मे बी डेट सिक्योरिटीज ओनली फॉर मेंटेनेंस, मतलब हो गया. अच्छा डन. अगर श्रेया गई, श्रेया गई, श्रेया की एज देखो, तो अच्छा से उसकी उम्र को पता ही नहीं चलता है, ठीक है. अभी वो 55 इयर्स की, वो गई उसको, फिर श्रेया गई, श्रेया क्या बोलेगी, एकदम बेटी बेटी बोलेगी, बेटा बुद्धि है तो, ठीक है. देख मैं ज्यादा रिस्क नहीं, ओल्ड एज विल नेवर टेक रिस्क, ठीक है. वो बोलेगी अरे भाई मार्केट नीचे नीचे गया, मेरे हार्ट बीट नीचे नीचे जाएंगे और मैं ऊपर ऊपर जाऊंगी, मुझे वो चाहिए नहीं. सो यहाँ पे श्रेया ने बोला मुझे रिस्क लेना नहीं है, तो मैक्सिमम तू श्रेया के पैसे कहाँ इन्वेस्ट करेगी, डेट मार्केट, मतलब वो उल्टा करेगी, 90% डेट मार्केट में करेगी एंड 10% ही सिर्फ इक्विटी में करेगी. सो शी इज मैनेजिंग द पोर्टफोलियो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, एज, इनकम एंड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, कितना रिस्क हम ले सकते हैं. सो यहाँ पे वो एडजस्ट कर रही है पोर्टफोलियो या वो इन्वेस्ट कर रही है डिपेंडिंग ऑन थ्री फैक्टर्स. विच थ्री फैक्टर्स? एज, इनकम, पैसा भी चाहिए ना, एज, इनकम एंड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी. तो तीन फैक्टर्स लिखने, मुझे लिखाओगे, एज, सेकेंड इनकम, थर्ड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, ये समझा बेटा. अच्छा एंड लास्ट एक और, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर, वन इज डिस्क्रिमिनेटरी पोर्टफोलियो मैनेजर एंड अदर इज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी. नोट्स में दिया है मैंने, एक डिस्क्रिमिनेटरी होता है बेटा, एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होता है. डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब एट हिज ओन विश, खुद की मर्जी से, मतलब वो क्लाइंट का इंस्ट्रक्शन सिर्फ इतना फॉलो करेगी कि कितना इक्विटी में कितना डेट में, बस. कौन से इक्विटी में कोई कुछ क्लाइंट बोलेगा नहीं, कौन से डेट में क्लाइंट बोलेगा नहीं, शी विल टेक द डिसीजन ऑन हर ओन, दैट इज नोन एज बेटा डिस्क्रिमिनेटरी पोर्टफोलियो मैनेजर. सो डिस्क्रिमिनेटरी वर्ड याद है, देख डिस्क्रिमिनेटरी नाम बोल रहा है, डिस्क्रिमिनेटरी, खुद की मर्जी से. कभी कभी ऐसा सर ने सिखाया होगा कंपनी लॉ में या ECL में, एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, ऐसा कुछ बोला होगा. डिस्क्रिशन मतलब एट कोर्ट विश, ऐसा बोलते हैं कि नहीं. सो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है एट ओन विश. अच्छा अगर तो फिर अगर नॉन डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो उल्टा हो जाएगा, क्लाइंट्स विश, तो डोंट राइट क्लाइंट्स विश, ऐसा लिखो बाय द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द क्लाइंट, ऐसा लिखो. नॉन डिस्क्रिमिनेशन में क्या लिखोगे, इंस्ट्रक्शन गिवन बाय क्लाइंट. डाउट बेटा? ठीक है, हाँ बोल करण. नहीं नहीं तो फिर चलेगा. एज इज वन ऑफ द फैक्टर, एज इज नॉट ओनली द फैक्टर. इफ शी इज रेडी, इफ शी इज रेडी टू टेक द रिस्क, जैसे अंबानी 55 हो गया बट ही इज रेडी टू टेक द रिस्क, इट्स ओके, तो उसका इक्विटी में जाएगा. सो एज बिकम्स वन ऑफ द फैक्टर. और एक बार एज हो जाता है ना, सीरियसली रिस्क लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ऐसा होता है. तेरे को नहीं समझेगा, जब भी बड़ा हो जाएगा तभी समझेगा. बट एज इज नॉट ओनली द फैक्टर, आई टोल्ड, एज इज वन ऑफ द फैक्टर. सो ऑब्वियसली अलॉन्ग विद एज दे विल सी इनकम प्लस रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, सब देखेंगे और फिर वो एडजस्ट करेंगे. अभी समझा बेटा? मैंने ऐसा नहीं बोला सिर्फ एज ही फैक्टर होता है. डाउट? डन विद पोर्टफोलियो मैनेजर. सो जितना है पढ़ लो, कुछ डाउट है मेरे को बता दो, चलो फटाफट. अच्छा पोर्टफोलियो मैनेजर के ऊपर कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल? सेबी सेम रहता है, ब्रैकेट में सिर्फ इंटरमीडिएटरी का नाम चेंज हो जाता है. पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलेशन वर्ड सेम रहता है, ईयर चेंज हो जाता है, वो ईयर याद रखना पड़ेगा. ट्राई करो यार, जितना हो सकता है उतना ट्राई करो, एक दिन में एक ट्राई करो, हो जाएगा, जून तक याद रह जाएगा. हाँ वो याद, ईयर सेम भी रह सकता है. अरे रेगुलेशन सेम ईयर में भी आ सकता है ना बेटा, ऐसा नहीं है, बट वो रेगुलेशन के बाद, सॉरी रेगुलेशन सेबी के बाद हमेशा क्या आएगा, ब्रैकेट.
ठीक है, इट इज नॉट एन एक्ट, इट इज अ रेगुलेशन, समझा। अच्छा एक बार वो प्री एंड पोस्ट पढ़ लो ना बेटा, अगर कुछ डाउट है मेरे को अभी के अभी पूछ लो, फिर टाटा बाय बाय आज के लिए, ठीक है। ये लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो ये लिख दो, ये लिख दो, ये इजी पड़ेगा याद रखने के लिए से। एक बिड कम एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, इट्स नथिंग बट एप्लीकेशन फॉर्म। क्यों बिड कम लेते हैं? क्योंकि बोली लगाते हैं। कौन बोली लगाते हैं? इन्वेस्टर्स। कभी लगाते हैं, कौन से टाइप ऑफ बिडिंग में लगाते हैं वो मैं सिखाऊंगी, पर हम क्या बोलते हैं बिड कम एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब बिड कम एप्लीकेशन फॉर्म का मतलब बिड प्लस एप्लीकेशन भी दे रहे हो, मतलब बिडर्स क्या कर रहे हैं, बिड भी कर रहे हैं साथ साथ में एप्लीकेशन भी दे रहे। सो जस्ट इमेजिन इट इज एन एप्लीकेशन फॉर्म। लियाजन का मतलब लिंक, लियाजन का मतलब लिंक, लिंक 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 लियाजन। अच्छा सेबी में लियाजन ही वर्ड यूज होता है, लिंक वर्ड यूज नहीं करते हम, ठीक है। लिंक लियाजन बोलो, लियाजन भी बोल सकते हो चलेगा, बट इट मींस लिंक 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 लिंक। अगर नहीं याद रहता है लिंक लिखा चलेगा, इट्स ओके, यू विल नॉट गेट रॉन्ग, डोंट वरी। डेटा कैप्चर, ए गाइस डेटा कैप्चर, गाइस लुक हियर, डेटा कैप्चरिंग एंड वैलिडेशन का मतलब है एंट्रीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सिर्फ एंट्री करेंगे कहाँ पे? कंप्यूटर्स में एंट्री करेंगे वो लोग, कितने एप्लीकेशन फॉर्म आए, कितना पैसा आया, वो सब इंफॉर्मेशन, बस डेटा बिल्डअप करेंगे। बोल बेटा, सॉरी रजिस्ट्रार टू एन इश्यू में, रजिस्ट्रार टू एन इश्यू एक पर्सन ही होता है वो रजिस्ट्रार टू एन इश्यू, उसको हेल्प करने के लिए। हाँ हाँ रहेंगे ना यार, ऑब्वियसली टीम रहता है पूरा, एक एक जन कैसे हैंडल कर सकता है पूरा इश्यू, सोच नहीं रहो। This is not small issue, this is a very big issue. Public को बुला रहे हम लोग, even private placement में भी बहुत tension रहता है, it takes time. Guys, language. अरे bank reconciliation नहीं पता बेटा, वही reconciliation same होगा, same मतलब
दे विल रिकंसाइल. क्या लिखा है रिकंसिलेशन? रिकंसिलेशन मतलब कितने एप्लीकेशन फॉर्म आए, कितना पैसा आया, वो एप्लीकेशन फॉर्म और पैसे का अमाउंट टैली हो रहा है या नहीं, बैंक में अकाउंट में जो डिपॉजिट किया है वो टैली हो रहा है या नहीं, मेरे बुक के साथ एंट्री टैली हो रहा है या नहीं, दैट इज रिकंसिलेशन. जो तुम लोग को बैंक में बैंक रिकंसिलेशन सिखाया होगा ना, सेम वैसा डाउट. सो यू जस्ट टैली. रिकंसिलेशन मीन्स वॉट? यू टैली डाउट. गर्ल्स डाउट, बॉयज डाउट, अदर्स डाउट. बोलना पड़ता है, डर लगता है इधर. अभी तो 377 हो गया ना. करंट डाउट बेटा? नहीं गाइस. लास्ट बेंच डाउट. डाउट बेटा परफेक्ट पूरा समझा. विच लास्ट वाला? अच्छा वेब बेस्ड. वेब बेस्ड व्हाट डू यू मीन बाय वेब बेस्ड? ऑनलाइन ऑनलाइन कंप्लेंट्स. सो ऑनलाइन कंप्लेंट्स के इन्वेस्टर्स होंगे वो रिजॉल्व करेगा. सो विल इन शॉर्ट दोनों पॉइंट्स आर रिलेटेड टू इन्वेस्टर ग्रीवियंस. बट एक ऑफलाइन है एक ऑनलाइन. डन. तो वेब बेस्ड का मतलब ऑनलाइन.